गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, जो भी मुझे जब भी सुन रहे उसके अकॉर्डिंग। तो बच्चे, आज हम लोग अपने लेक्चर नंबर 31 पे आ चुके हैं और हम लोग पढ़ रहे थे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में। तो चलो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ चुके हैं। तो बच्चे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारी दो पार्टीज होती थी, ए और बी। ठीक है, ए बी के ऊपर क्या करता था, एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करता था। क्यों बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करता था? क्योंकि ए ने बी को सेल कर रखा था। सेल जो करा था वो क्रेडिट पे करा था, लेट्स टेक 2 मंथ्स के क्रेडिट पे करा था। ठीक है, रुपीज वन लैख की सेल करी, 2 मंथ्स के क्रेडिट पे करी। ए ने बी को सेल करी, क्रेडिट पे करी और 2 मंथ्स के क्रेडिट पे करी। ठीक है, तो ए बी के ऊपर एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर रहे हैं, ए बी के ऊपर एक बिल ऑफ एक्सचेंज यहां पे ड्रॉ करता है। हो सकता है बी यहां पे प्रोमिसरी नोट ए को दे दे। तो ये दोनों ऑप्शन होते हैं, या तो बी प्रोमिसरी नोट दे दे या फिर ए बिल ऑफ एक्सचेंज बी के ऊपर ड्रॉ कर दे। फिर बी क्या करते हैं, ये बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करके बिल ऑफ एक्सचेंज ये ए को वापस कर देंगे। और बच्चे, फिर ए के पास 4 ऑप्शन क्रिएट हो जाते हैं। पहला ऑप्शन क्या होता है कि वो बिल को मैच्योरिटी तक रिटेन कर ले। दूसरा ऑप्शन क्या होता है, बिल को डिस्काउंट करा ले। डिस्काउंट करा ले किससे? बैंक से। अच्छा, डिस्काउंट को बच्चे एक और वर्ड यूज करते हैं हम लोग, डिस्काउंट को हम लोग नेगोशिएशन भी बोलते हैं। हम लोगों ने क्या करा, बिल को नेगोशिएट करा लिया विद बैंक। तो नेगोशिएशन भी कहीं कहीं आपको देखने को मिल सकता है, तो डिस्काउंट ऑब्लिक नेगोशिएशन। ठीक है जी। फिर तीसरा ऑप्शन क्या होता है, हम अपने किसी क्रेडिटर को इंडोर्स कर दें ये बिल। और चौथा ऑप्शन क्या होता है, बिल हम लोग बैंक को देते हैं कलेक्शन के लिए। तो बिल सेंड टू बैंक, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो ए के पास ये 4 ऑप्शन होते हैं। फिर बच्चे, बी क्या करता है, या तो मैच्योरिटी पे पेमेंट कर देगा या नहीं करेगा। अगर पेमेंट कर देता है मतलब पेमेंट यस और पेमेंट नो, पेमेंट यस एंड पेमेंट नो। अगर बी पेमेंट कर देता है मैच्योरिटी पे, तो बच्चे कोई दिक्कत ही नहीं, वहां पे हमारा बिल का काम खत्म हो जाता है, बिल यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर बिल का पेमेंट बी यहां पे नहीं करता है, तो बिल हमारा क्या हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है। तो अगर डिसऑनर हो जाता है बच्चे, तब हम लोग क्या करते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। डिसऑनर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो डिसऑनर हमने समझा था कि जो ये ए होता है, ए अपने बुक्स में एंट्रीज पास करेगा इन सब केसेस में, जो भी कर रखा है उसने बिल के साथ, मतलब या तो बिल को रिटेन करा है, या तो नेगोशिएट कर रखा है, या इंडोर्स करा है, या फिर बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन कर रखा है। तो जो भी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग ए अपने बुक्स में एंट्रीज पास कर लेगा। ठीक है, ए अपने बुक्स में यहां पे एंट्रीज पास कर लेगा। ठीक है, तो डिसऑनर की एंट्री पास कर ली, और हो सकता है कि नोटिंग चार्जेस भी इन्वॉल्व हो। नोटिंग चार्जेस में हम लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर को ऑथराइज करते हैं कि जाओ भाई आप जाके बिल का कलेक्शन करो, बिल को प्रेजेंट करो और आप जाके कलेक्शन करो, क्योंकि भाई बी तो हमें पैसे दे नहीं रहा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए उनको नोटिंग चार्जेस पे करते हैं। तो हो सकता है नोटिंग चार्जेस भी आपको मिले, और डिसऑनर के केस में बी अपने बुक्स में भी एंट्री कर लेगा। फिर डिसऑनर के बाद क्या होता है, बी या तो थोड़ा कैश पेमेंट कर दे या फुल कैश पेमेंट कर दे, या फिर बिल एक नए अमाउंट का एक्सेप्ट कर ले, एक न्यू बिल को एक्सेप्ट कर ले, या फिर थोड़ा कैश में पेमेंट कर ले, थोड़ा कैश में पेमेंट कर दे और थोड़े अमाउंट का एक न्यू बिल एक्सेप्ट कर ले। तो ये ऑप्शंस होते हैं बी के पास। तो बी क्या कर सकता है, इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता है। ए और बी दोनों में क्या करेंगे, दोनों एग्री करने चाहिए, दोनों म्यूचुअली एग्री करेंगे और इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया जाएगा। ठीक है जी। तो जब कभी भी न्यू बिल बनेगा, तो बच्चे उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड होगा न्यू पीरियड का, इंटरेस्ट ऑफ न्यू पीरियड विल बी इंक्लूडेड। ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ न्यू पीरियड विल बी इंक्लूडेड। तो जब कभी भी न्यू बिल बनेगा तो बच्चे क्या होगा, हम लोग उसको बोल सकते हैं रिन्यूअल,
तो रिन्यूअल जब कभी भी होगा तो रिन्यूअल के केस में हमेशा याद रखना दो चीजें होती हैं। पहले मेरे को क्या करना पड़ता है, डिसऑनर करना पड़ता है ओल्ड बिल को, ओल्ड बिल का डिसऑनर मेरे को करना पड़ता है, और मेरे को एक न्यू बिल क्या करना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है। तो जनरली जो न्यू बिल होता है, न्यू बिल में क्या होता है, इंटरेस्ट शामिल होता है, न्यू बिल में इंटरेस्ट शामिल होता है, ठीक है। तो रिन्यूअल में बच्चे ये होता है। फिर हम लोगों ने एक चीज और पढ़ रखी थी कि कभी कभी जो हमारा ड्रॉई होता है, जो हमारा ड्रॉई होता है, जैसे कि जो हमारा बायर होता है, वो कभी कभी जल्दी पेमेंट कर देता है, मतलब प्री पेमेंट कर देता है बिल का। तो जब कभी भी प्री पेमेंट होगा बिल का, जब कभी भी प्री पेमेंट होगा बिल का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिबेट अलाउ करना पड़ेगा, रिबेट अलाउ करना पड़ेगा। तो रिबेट अलाउड टू ड्रॉई, रिबेट अलाउड टू ड्रॉई। तो जब कभी भी प्री पेमेंट होगा बिल का, तब हमें क्या करना पड़ेगा, रिबेट अलाउ करना पड़ेगा ड्रॉई को, क्योंकि उसने जल्दी पेमेंट कर दिया। तो ये एक तरीके का क्या होता है, कैश डिस्काउंट होता है, ये एक तरीके का क्या होता है, कैश डिस्काउंट होता है, बट हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रिबेट बोलते हैं इस चैप्टर में। तो हमें रिबेट अलाउ करना पड़ेगा। तो ये सब बातें हम लोग लास्ट क्लासेस में कर चुके हैं, ठीक है, लास्ट क्लासेस में ये सब बातें कर चुके हैं। फिर हम लोगों ने एक बात और डिस्कस करी थी लास्ट क्लास में कि यहां पे चलो भाई नया बिल बन गया, फिर नया बिल जो बना, हो सकता है नए बिल का पेमेंट कर दे, हो सकता है नए बिल का पेमेंट ना करे। अगर पेमेंट कर देता है, मतलब यस पेमेंट कर दी, तो कोई दिक्कत नहीं, वहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अगर पेमेंट नहीं करता है, तो हो सकता है फिर से एक नए टर्म्स को रिवाइज करा जाए, फिर से नए टर्म्स दोनों में एग्री करे जाए और एक और नया बिल ड्रॉ करा जाए, या फिर कैश में पेमेंट मिल जाए, या फिर क्या हो सकता है, हमारा जो बी है वो हो सकता है इंसॉल्वेंट। तो इंसॉल्वेंट अगर हो जाता है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, जो डेब्ट्स होते हैं, जो भी मेरे को नहीं रिकवर होंगे, जो जितने रिकवर हो जाते हैं वो मैं रिकॉर्ड कर लेता हूं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बैंक या कैश के नाम में, और जितने रिकवर नहीं होते हैं उसको मैं क्या कर दूंगा, अपने बुक्स में बैड डेब्ट्स लिख देता हूं, और बी अपने बुक्स में क्या लिख देगा, डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी। तो बच्चे ये सब चीजें हम लोग लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, लास्ट दो क्लासेस में हम लोगों ने ये सब बातें कर रखी है। अब मैं अपने टॉपिक को थोड़ा सा और आगे लेकर चलना चाहता हूं, ठीक है। तो मैं अब आपको एक क्वेश्चन पहले कराना चाहता हूं, तो आप लोग मेरे साथ ओपन करिएगा क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग ओपन कर लीजिए। पहले क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग करेंगे, फिर हम लोग म्यूचुअल अकोमोडेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, म्यूचुअल अकोमोडेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्या दे रखा हुआ है, जर्नलाइज द फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ डॉन। क्या दे रखा है, बॉब इन्फॉर्म्स डॉन That Rai's acceptance for rupees 3000 has been dishonored and noting charges are rupees 40. Bob accepts rupees 1000 cash and the balance as at 3 months at interest of 10%. Don accepts from Rai his acceptance at 2 months plus interest at the rate of 12% per annum. Fir B point kya de rakha hai, James owes Don rupees 3200. He sent Don's own acceptance in favor of Ralph for rupees 3160 in full settlement. फिर C point क्या दे रखा है, Don meets his acceptance in favor of Singh for rupees 4500 by endorsing John's acceptance for rupees 4450 in full settlement. Rai's acceptance in favor of Don retired 1 month before due date. इंटरेस्ट इज टेकन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो ये बच्चे मेरे को क्वेश्चन दे रखा है और मेरे से क्या बोल रखा है कि जनरलाइज इन द बुक्स ऑफ डॉन। तो मेरे को डॉन की बुक्स में क्या करना है, रिकॉर्डिंग करनी है, और ये चार ट्रांजैक्शंस को मेरे को रिकॉर्ड करना है। तो चलो बच्चे एक एक ट्रांजैक्शन को समझते हैं और अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते जाते हैं। और ये जो बच्चे क्वेश्चन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन जरूर जरूर से आपको फिर से लगाना है। जब अभी मैं आपको करवा दूंगा तो इसके बाद आपको एक बार खुद से भी करना है जब ये क्लास खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो चलो पहले मैं आपको करवाता हूं। तो हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 इन द बुक्स ऑफ डॉन जर्नल एंट्रीज, ठीक है।
फिर मेरे साथ यहां पे आप लोग फॉर्मेट लॉक कर लीजिएगा, पर्टिकुलर्स, एलएफ नंबर, अमाउंट रुपीस, अमाउंट रुपीस, ठीक है। फिर कॉलम आप लोग ड्रॉ कर लीजिए जिससे कि हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट कर सके। तो आप लोगों ने फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया होगा, तो चलो बच्चे इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने को क्या दे रखा हुआ है, बॉब इन्फॉर्म्स डॉन, बॉब इन्फॉर्म करता है किसको, डॉन को, दैट राइस एक्सेप्टेंस फॉर रुपीज 3000 हैज बीन डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस आर रुपीज 40। तो बॉब किसको इन्फॉर्म कर रहा है, डॉन को इन्फॉर्म कर रहा है। हमें किसके बुक्स में अकाउंटिंग करनी है, डॉन के बुक में। तो बॉब जरूर से डॉन का क्या होगा, एक क्रेडिटर होगा। बॉब डॉन का क्या होगा, क्रेडिटर होगा। तो बॉब इन्फॉर्म्स डॉन दैट राइस एक्सेप्टेंस, तो राय ने एक एक्सेप्टेंस किसको दे रखी है, डॉन को। डॉन ने वो एक्सेप्टेंस इंडोर्स कर रखी है अपने क्रेडिटर बॉब को। तो बॉब मेरा क्रेडिटर है और बॉब को मैंने राय की एक्सेप्टेंस इंडोर्स कर रखी है फॉर रुपीज 3000 हैज बीन डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस आर रुपीज 40। तो राय की एक्सेप्टेंस डिसऑनर हो गई है और बॉब को मैंने इंडोर्स कर रखी थी, ये बात तो मेरे को समझ में आ गई। फिर क्या दे रखा हुआ है, बॉब एक्सेप्ट्स रुपीज 1000 कैश। तो बॉब को हमने क्या करा, 1000 रुपीज का कैश पे कर दिया, मतलब डॉन ने बॉब को 1000 रुपीज कैश पे करा एंड द बैलेंस एज बिल एट 3 months एट इंटरेस्ट ऑफ 10%। तो 10% इंटरेस्ट पे मैंने क्या करा, एक नया बिल एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद क्या दे रखा है, डॉन एक्सेप्ट्स फ्रॉम राय हिज एक्सेप्टेंस एट 2 months प्लस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। और राय ने भी एक नया बिल दे दिया है, कितने महीने का, 2 महीने का प्लस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। तो चलो बच्चे इसको आप सॉल्व करते हैं। तो मैंने यहां पे लिखा ट्रांजैक्शन नंबर एक, और ट्रांजैक्शन नंबर एक की फर्स्ट एंट्री मैं करने जा रहा हूं अभी। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, बिल का डिसऑनर करना पड़ेगा। तो डिसऑनर की हम लोग क्या एंट्री करते थे, डेटर अकाउंट डेबिट टू पे अकाउंट। डेटर मेरा कौन है, राय। तो मैंने यहां पर लिखा राय, राय अकाउंट डेबिट। और बच्चे पेई कौन है मेरा, पेई है बॉब। तो टू बॉब अकाउंट, 3000 रुपीज का बिल था और 40 रुपीज के नोटिंग चार्जेस, तो टोटल कितना हो गया, 3040। मैं यहां पे क्या नोटेशन लिख सकता हूं, बींग राइज एक्सेप्टेंस, राइस एक्सेप्टेंस endorsed to Bob, dishonored, being Rice acceptance endorsed to Bob, dishonored, ठीक है। तो ये सबसे पहली एंट्री तो मैंने कर दी। फिर मैंने क्या करा, बॉब को 1000 रुपीज का कैश पे करा, तो चलो इसकी भी एंट्री कर लेते। तो सेकंड, बॉब अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कितने रुपए कैश मैंने पे करा है, 1000 रुपीज का कैश मैंने यहां पे करा है। तो मैंने यहां पे लिखा 1000 रुपीज और मैंने यहां पे नरेशन लिख दी, बींग कैश पेड। फिर जो बैलेंस बचा उसका मैंने क्या करा, बिल एक्सेप्ट कर लिया अलोंग विथ इंटरेस्ट। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, बॉब अकाउंट डेबिट। तो बॉब के अकाउंट को मैंने यहां डेबिट कर दिया। बच्चे इंटरेस्ट मेरे को पे करना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, और मैंने एक बिल को एक्सेप्ट करा है, तो मैंने यहां पे लिखा क्या, टू बिल्स पेबल अकाउंट। तो बच्चे बॉब का बैलेंस कितना बचा था, 3040 माइनस 1000 2040 प्लस मेरे को इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है। तो इंटरेस्ट मैं कितने में कैलकुलेट करूंगा, 2040 पे मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा।
तो मैंने यहां पे क्या लिखा 2040 पे मेरे को 10% इंटरेस्ट निकालना है, और बच्चे 3 मंथ्स का बिल एक्सेप्ट कर रहे हैं तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट, तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट जो बच्चे आ रहा है वो कितना है, 51 रुपीज। तो मैंने जो नया बिल एक्सेप्ट करा है वो कितने का एक्सेप्ट करा है, 2091। तो मैंने एक बिल एक्सेप्ट कर लिया 2091 का, और मैंने यहां पे क्या नरेशन लिख दी, बिंग बिल एक्सेप्टेड इन फेवर ऑफ बॉब, बिंग बिल एक्सेप्टेड इन फेवर ऑफ बॉब। ठीक है जी, तो ये बच्चे बॉब से रिलेटेड तो मैंने ट्रांजैक्शंस को यहां पे रिकॉर्ड कर लिया। अब मेरे को राय की बातें करनी है, तो राय के बारे में क्या दे रखा हुआ है, तो ये दे रखा है कि डॉन एक्सेप्ट्स फ्रॉम राय हिज एक्सेप्टेंस एट 2 मंथ्स प्लस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। तो हम लोगों ने राय से एक बिल एक्सेप्ट करवाया, ठीक है, तो मैं अपनी बुक्स में क्या अकाउंटिंग एंट्री कर सकता हूं यहां पर, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। तो मैं एक बिल एक्सेप्ट करवा रहा हूं किससे, राय से, तो मेरे बुक्स में क्या आ जाएगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, फिर मेरे को राय से कुछ पैसे रिसीव करने दे, तो मैंने यहां लिखा कितना, टू राय अकाउंट, और मेरे को इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो मैंने यहां लिखा क्या, इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि मैं नया बिल ड्रॉ कर रहा हूं राय पे, तो मेरे को उससे इंटरेस्ट भी चार्ज करना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट मेरी यहां पे क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। तो राय से मेरे को 3040 तो रिकवर करना था, प्लस इंटरेस्ट भी लेना है, तो इंटरेस्ट भी हम लोग बिल के अमाउंट में शामिल कर रहे हैं, तो मैंने यहां पे क्या लिखा, 3040 का 12%, मेरे को 12% के रेट से इंटरेस्ट निकालना है, और बच्चे जो ये बिल है वो कितने महीने का है, 2 महीने का है, तो मैंने यहां पे लिखा इंटू टू बाय ट्वेल्व। तो यहां पे इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 60.80। तो जो ये नए बिल का अमाउंट आएगा वो कितना आएगा, 3100.80। तो ये नया बिल मैंने किस पे ड्रॉ करा है, राय पे ड्रॉ करा है, तो मैंने यहां पे लिखा बिंग बिल ड्रॉन ऑन वाई, ठीक है, सॉरी ऑन राय। तो बींग बिल ड्रॉन ऑन राय, तो ये बच्चे हम लोगों ने ट्रांजैक्शन नंबर ए को रिकॉर्ड कर लिया। फिर मैं अब आता हूं ट्रांजैक्शन नंबर बी पे, तो क्या दे रखा हुआ है, जेम्स ओज ₹3200, ही सेंड्स डॉन्स ओन एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ राल्फ फॉर ₹3160 इन फुल सेटलमेंट। तो चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे एक छोटा सा वर्किंग नोट आप लोग बना लेना, ठीक है, वर्किंग नोट, तो इसको मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो बच्चे जेम्स को ₹3200 पे करने हैं डॉन को, ठीक है, तो ये डॉन है, ठीक है, और ये कौन है, राल्फ, और ये कौन है, जेम्स, ठीक है। जेम्स को ₹3200 पे करने थे, किसको, डॉन को, ठीक है, और डॉन ने क्या कर रखा है, एक बिल्स पेबल एक्सेप्ट कर रखा है, मतलब एक बिल्स पेबल एक्सेप्ट कर रखा है इन फेवर ऑफ राल्फ। ये बिल्स पेबल का जो अमाउंट है वो बच्चे कितना है, 3160 का बिल है, मतलब 3160 का बिल डॉन ने एक्सेप्ट कर रखा है इन फेवर ऑफ राल्फ। तो राल्फ ने क्या करा था, इस बिल को इंडोर्स कर दिया था जेम्स को, राल्फ को जो ये बिल मिला डॉन से, उन्होंने किसको इंडोर्स कर दिया, जेम्स को इंडोर्स कर दिया, ठीक है। अब जेम्स को पेमेंट करनी है डॉन को, जेम्स को पेमेंट करनी है किसको, डॉन को। तो जेम्स ने क्या कहा कि भाई 3200 का मेरे को आपको पेमेंट करना है, तो मैं क्या करता हूं, ये बिल आपको एंडोर्स कर देता हूं। तो घूम फिर के डॉन का बिल डॉन को वापस मिल जा रहा है, घूम फिर के डॉन का बिल डॉन के पास वापस आ जा रहा है,
तो इसकी मैं अपने बुक्स में कैसे अकाउंटिंग करूंगा, चलो वो हम लोग देखते हैं। तो बच्चे पहले से ये बिल डॉन के बुक्स में आ रहा होगा बिल्स पेबल के नाम से, तो डॉन को अपना ही बिल वापस मिल गया, तो डॉन अपने आप को थोड़ी ना फिर पेमेंट करेगा। डॉन को अगर बिल वापस मिल गया तो डॉन अपने आप को तो पेमेंट करने वाला नहीं है। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, मेरे को बिल्स पेबल का अकाउंट खत्म करना पड़ेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, क्योंकि देखो भाई बिल तो वापस आ गया डॉन के पास, तो डॉन अब अपने आप को थोड़ी ना पेमेंट करेगा कि भाई ये लो मैं अपने आप को पेमेंट करता हूं 3160 अमाउंट का, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। तो हमने यहां पे क्या करा, बिल्स पेबल अकाउंट को क्लोज करा कितने से, 3160 से मैंने यहां पे बिल्स पेबल अकाउंट को क्लोज कर दिया, ठीक है। फिर हमने यहां पे जेम्स को 40 रुपीज का डिस्काउंट अलाउ करा कि भाई 3160 का बिल हमने एक्सेप्ट कर लिया इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹3200। तो मैंने यहां पे लिखा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना 40 रुपीज, और मेरे को बिल किससे रिसीव हुआ है, जेम्स से, तो मैंने यहां लिखा जेम्स, तो टू जेम्स अकाउंट कितना 3200 रुपीज, 3200 रुपीज। तो चलो हम लोग यहां पे नरेशन लिख देते हैं, बींग कैंसिलेशन ऑफ बिल्स पेबल टू राल्फ फॉर रुपीस 3160 इन सेटलमेंट ऑफ रुपीस 3200 ड्यू फ्रॉम जेम्स, ठीक है। तो ये बच्चे हम लोगों ने बी ट्रांजैक्शन को भी यहां पे रिकॉर्ड कर लिया। तो अब चलो बच्चे हम लोग सी ट्रांजैक्शन पे आते हैं। तो सी ट्रांजैक्शन क्या दे रखा हुआ है, डॉन मीट्स हिज एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ सिंह फॉर ₹4500 बाय इंडोर्सिंग जॉन्स एक्सेप्टेंस फॉर ₹4450 इन फुल सेटलमेंट। तो हमें क्या करना था, सिंह को पेमेंट करना था, मैंने सिंह से बिल पेबल एक एक्सेप्ट कर रखा था, मतलब मेरे को सिंह को पेमेंट करना था बिल्स पेबल का कितना 4500 रुपीज। तो मैंने क्या करा, इस बिल्स पेबल का जब पेमेंट करना था तो मैंने क्या करा, जॉन की एक्सेप्टेंस थी मेरे पास, वो मैंने इंडोर्स कर दी। तो जॉन का मेरे पास क्या होगा, एक बिल्स रिसीवेबल होगा, वो मैंने क्या करा, इंडोर्स कर दिया किसको, सिंह को, पेमेंट के लिए बिल्स पेबल का। मेरे को बिल्स पेबल का पेमेंट करना था, मैंने एक बिल एक्सेप्ट कर रखा था इन फेवर ऑफ सिंह, तो मेरी बुक्स में क्या होगा, बिल्स पेबल होगा। तो मेरे को बिल्स पेबल का पेमेंट करना था, तो बिल्स पेबल का पेमेंट करने के लिए मैंने क्या करा, जॉन की एक्सेप्टेंस को इंडोर्स कर दिया है, किसको, सिंह को, बिल्स पेबल का पेमेंट करने के लिए। तो चलो इसकी हम लोग क्या करते हैं, अपने बुक्स में अकाउंटिंग कर लेते हैं। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, ट्रांजैक्शन नंबर सी। तो मैं किसका पेमेंट करने जा रहा हूं, बिल्स पेबल का। तो मैंने यहां पे लिखा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। तो बिल्स पेबल का मैं पेमेंट करने जा रहा हूं, और पेमेंट मैं कैसे कर रहा हूं, बिल्स रिसीवेबल को इंडोर्स करके। तो मैंने यहां लिखा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो बिल्स पेबल का अमाउंट कितना था, 4500 रुपीज का मेरे को पेमेंट करना था, और मेरे पास जो बिल था वो कितने का था, मतलब बिल्स रिसीवेबल था वो कितने का था, 4450 का था, और मैंने 4450 का बिल्स रिसीवेबल दे दिया है अगेंस्ट 4500 का जो बिल्स पेबल था। तो मेरे को यहां पे क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। तो मैंने यहां लिखा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ये 50 रुपीज का जो डिस्काउंट है बच्चे वो मेरी क्या है, इनकम है। तो मैंने यहां पे लिखा 50 रुपीज, और मैंने यहां पे नरेशन लिखा बींग सेटलमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस
इश्यूड टू मिस्टर सिंह बाय एंडोर्समेंट ऑफ जॉन्स एक्सेप्टेंस फॉर रुपीज 4450। तो बच्चे हम लोगों ने यहां पे सी नंबर के ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड कर लिया। अब मैं अपने लास्ट ट्रांजैक्शन पे आता हूं डी नंबर पे। तो क्या दे रखा हुआ है, राइस एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ डॉन रिटायर्ड 1 month बिफोर ड्यू डेट, इंटरेस्ट इज टेकन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो बच्चे राय की जो एक्सेप्टेंस थी, ये वाली जो राय की एक्सेप्टेंस थी, कितने रुपीज की एक्सेप्टेंस थी, 3100.80 इतने की एक्सेप्टेंस दे रखी थी राय ने डॉन को। तो डॉन के बुक्स में क्या आ रहा होगा, बिल्स रिसीवेबल। तो राय ने क्या करा, 1 month बिफोर द ड्यू डेट पेमेंट कर दिया, और जो हम लोगों ने उसको डिस्काउंट अलाउ करा है, मतलब रिबेट अलाउ करा है, वो किस रेट पे करा है, एट द रेट ऑफ 6% पर है ना। तो चलो इसकी अकाउंटिंग कर लेते हैं। तो डॉन को क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तो डॉन यहां पे क्या लिखेगा, कैश अकाउंट डेबिट। डॉन को यहां पे कैश मिल रहा है, और बच्चे कैश जो मिलेगा वो आफ्टर रिबेट मिलेगा, तो रिबेट भी मैं अलाउ कर रहा हूं, तो मैंने यहां लिखा रिबेट अकाउंट। तो रिबेट अकाउंट को मैंने यहां पे डेबिट कर दिया, और मैंने यहां पे लिखा टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो बिल का वैल्यू क्या था, मतलब बिल का अमाउंट कितना था, 3100.80, और मैंने क्या करा, 6% का रिबेट अलाउ करा, तो मैंने यहां पे कैलकुलेट करा 3100.80 इंटू 6%, और 1 month बिफोर द ड्यू डेट जो राय है वो क्या कर रहा है, रिटायर कर रहा है, तो 1 month बिफोर द ड्यू डेट रिटायरमेंट हो रहा है बिल का, तो मैंने यहां लिखा इंटू 1/12। तो ये बच्चे रिबेट का अमाउंट कितना आ जाएगा, तो ये बच्चे आ रहा है 15.50। रिबेट कितना अलाउ करा मैंने, 15.50 का अलाउ करा, तो मेरे को पेमेंट कितना मिला होगा, 3085.30। तो मेरे को इतना कैश रिसीव हुआ है। तो चलो यहां पे नरेशन लिख देते हैं, बींग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम राय इन सेटलमेंट ऑफ बिल रिटायर्ड 1 month बिफोर द ड्यू डेट, रिटायर्ड 1 month बिफोर द ड्यू डेट। तो यहां पे बच्चे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व कर लिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 जो था वो बच्चे बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से सॉल्व करना होगा आफ्टर दिस क्लास, ठीक है। आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार खुद से लगाइएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो हम लोगों ने यहां पे क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व कर लिया। तो बच्चे मैं आपको एक और छोटी सी बात बताना चाहता हूं, तो इसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करना, ठीक है। ये बच्चे ए है, ठीक है। ए ने क्या करा, एक बिल एक्सेप्ट करा, ठीक है, एक बिल एक्सेप्ट करा बी के फेवर में, मतलब ए की बुक्स में क्या आ गया, बिल्स पेबल आ गया, ठीक है। बी ने इस बिल को क्या करा, सी को इंडोर्स कर दिया। सी ने बिल को किसको इंडोर्स कर दिया, डी को इंडोर्स कर दिया। डी ने इस बिल को ई को इंडोर्स कर दिया, और बच्चे ई को पेमेंट करना होगा ए को, तो ई ने वापस फिर से ए को इंडोर्स कर दिया, ठीक है। तो ए ने क्या कर रखा था, बिल एक्सेप्ट करा था इन फेवर ऑफ बी, तो बी को सी को पेमेंट करनी थी, बी ने सी को इंडोर्स करा। सी ने डी को पेमेंट करनी थी, तो सी ने डी को इंडोर्स करा। डी ने ई को पेमेंट करनी थी, तो डी ने ई को इंडोर्स करा। फिर ई को ए को पेमेंट करनी थी, मतलब ई ने ए को पेमेंट करनी थी, तो ई ने ए को वही बिल वापस से इंडोर्स कर दिया। तो बच्चे जब ये बिल वापस आ जाएगा ए के पास, ठीक है,
ये घूम के पूरी साइकिल कंप्लीट करके जब ये बिल वापस आ जाएगा ए के पास, तो ए अपने बुक्स में क्या अकाउंटिंग करेगा, तो इसको एक बार फटाफट से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चे ए के पास बिल वापस आ रहा है, ठीक है, तो उसी का बिल उसके पास वापस आ रहा है, तो अपने बिल का तो वो पेमेंट करेगा नहीं, मतलब खुद को तो पेमेंट वो करेगा ही नहीं ना भाई। ए ने बी को पेमेंट करना था तो वो बिल घूम फिर के उसके पास ही वापस आ गया, तो ए अब अपने आप को तो पेमेंट करेगा नहीं। तो यहां पे क्या सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कि ए का बिल उसी के पास वापस आ गया, तो ए अपनी बुक्स में इसकी क्या अकाउंटिंग करेगा। तो चलो हम लोग यहां पे देखते हैं, तो ए क्या लिखेगा कि भाई बिल उसके पास वापस आ गया तो बिल का पेमेंट करना नहीं है। तो इनिशियली क्या था, बिल्स पेबल अकाउंट मेरे बुक्स में लाइबिलिटी एज अ लाइबिलिटी अपेयर हो रहा होगा, तो मेरे को अपनी लाइबिलिटी खत्म करनी है, तो मैंने यहां पे लिखा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है, बिल्स पेबल को हम खत्म कर रहे हैं। और मैंने यहां पे क्या लिखा टू, मेरे को पेमेंट किससे रिसीव करना था, ई से रिसीव करना था, तो मैंने ई के अकाउंट को यहां पे क्लोज कर दिया, ठीक है, ई के अकाउंट को क्लोज कर दिया। ऑरिजिनली मैंने क्या एंट्री करी होगी, जब बी को मैंने बिल एक्सेप्ट करके दिया था, मैंने यहां पे एंट्री क्या करी होगी, बी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, ठीक है, बी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, और जब ये बिल मेरे पास वापस आ गया तब मैंने क्या करा होगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ई अकाउंट, ठीक है। तो ये सिचुएशन भी हो सकता है आपसे एग्जाम ने पूछ लिया, तो बस ये मैंने फटाफट से आपसे डिस्कस कर लिया कि भाई ए की बुक्स में क्या अकाउंटिंग होगी, बी के बुक्स में क्या अकाउंटिंग एंट्री होगी, ये तो आप लोग जानते हैं कि बी ने एक्सेप्ट करा बिल, तो बी को बिल मिल रहा है, तो बी क्या करेगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, बी को ए से बिल मिला, फिर बी ने क्या करा, इंडोर्स करा है, तो बी एक और क्या एंट्री करेगा, सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, तो ये बी ये दोनों एंट्री करेगा, फिर सी को बिल मिला है तो सी क्या एंट्री करेगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, बी से बिल मिला है, और सी ने इस बिल को इंडोर्स करा है, किसको करा है, डी को इंडोर्स करा है, तो इंडोर्समेंट की क्या एंट्री करेगा, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं डी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है, फिर डी की एंट्री करेगा, डी को मिल रहा है तो बिल मिला, तो बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू सी, और डी ने क्या करा, इसको इंडोर्स करा है, तो इंडोर्समेंट की क्या एंट्री बनेगी, ई टू बिल्स रिसीवेबल, फिर ई अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डी, बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू डी, क्योंकि बिल मिला है ई को, किससे मिला है, डी से मिला है, और फिर इसने क्या करा, ई ने इंडोर्स करा, तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, ई अकाउंट, ई अपने बुक्स में क्या करेगा, सॉरी ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। तो ये बच्चे ऐसे अकाउंटिंग का फ्लो चलेगा, तो ये आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है, ये बहुत सिंपल सी चीज थी, फिर भी मैंने आपको बता दिया, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, तो इतने सारे ट्रांजेक्शन नहीं कराएगा, बट सिंपली पूछ सकता है कि आपको अकाउंटिंग एंट्री बतानी है इन द बुक्स ऑफ ए, तो सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री कौन सी होती है, ये वाली होती है जो आपको आनी चाहिए, ठीक है, ये सब एंट्री स्टॉप कर लोगे, ये वाली एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट थी जो मेरे को आपको बतानी थी, ठीक है। तो ये सिचुएशन भी अब हम लोगों ने यहां पर डिस्कस कर लिया। तो चलो बच्चे अब हम लोग इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। तो इस चैप्टर का जो ये लास्ट टॉपिक है उसका नाम क्या है, अकोमोडेशन बिल, अकोमोडेशन बिल, अकोमोडेशन बिल। तो सर ये अकोमोडेशन बिल क्या होता है, इसका मतलब क्या है? तो बच्चे सबसे पहले ये बताओ मेरे को, अकोमोडेट वर्ड से आपको क्या समझ में आता है, अकोमोडेट वर्ड का क्या मतलब होता है? तो बच्चे अकोमोडेट वर्ड का अगर मैं मतलब बोलना चाहूं तो क्या होता है, टू हेल्प, ठीक है, टू हेल्प। तो अकोमोडेट का मतलब क्या होता है, टू हेल्प, हम लोग किसी की हेल्प करते हैं, मतलब हम लोग किसी को मदद करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग उसको अकोमोडेट कर रहे हैं, तो किसी को हेल्प करना हम लोग क्या बोलते हैं, अकोमोडेट। तो अकोमोडेशन बिल से हम लोगों का क्या मतलब हुआ, अकोमोडेशन बिल बच्चे जो हम लोग हेल्प करते हैं तो वो जो हेल्प होती है वो बच्चे फाइनेंशियल नेचर की होती है, तो हम लोग उसको अकोमोडेशन बिल बोल देते हैं।
तो हम लोग यहां पे फाइनेंशियल नेचर की हेल्प करने जा रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं अकोमोडेशन बिल। तो सर फाइनेंशियल से मतलब हमें अभी भी नहीं समझ में आया। तो चलो बच्चे मैं आपको अब एक बार फिर से एक कहानी बताने जा रहा हूं, ठीक है, कहानी बताने जा रहा हूं। तो इस कहानी को इंट्रोड्यूस करने के लिए पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक छोटी सी और बात करनी पड़ेगी। तो चलो पहले वो बात समझ लेता। तो बच्चे जो हमारे बिल्स होते हैं, ठीक है, बिल्स जो हमारे होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं ट्रेड बिल, एक होते हैं बच्चे अकोमोडेशन बिल। अकोमोडेशन बिल, अकोमोडेशन बिल। तो ट्रेड बिल बच्चे वो बिल होते हैं जिनमें सेल और परचेज इन्वॉल्व होता है, सेल और परचेज का ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होता है, जो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अभी तक जितनी भी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी वो बच्चे हम लोगों ने ट्रेड बिल के बारे में पढ़ी थी। तो ट्रेड बिल में हम लोग क्या करते थे, सेल करते थे या फिर एक पार्टी परचेज करती थी और एक पार्टी दूसरे पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करती है या फिर प्रॉमिसरी नोट दूसरा मतलब एक पार्टी दूसरे को देता है। तो ट्रेड बिल में बच्चे ऐसा कुछ होता था, सेल एंड परचेज इन्वॉल्व होता था, ठीक है। सेल एंड जो ट्रेड बिल था मेरा उसमें क्या होता था, कंसिडरेशन इन्वॉल्व होती थी। कंसिडरेशन मतलब मैंने सेल परचेज करा और मेरे को उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ पेमेंट रिसीव हो रहा है, जैसे कि कंसिडरेशन आप लोगों ने पढ़ रखा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। तो सेल एंड परचेज हुआ उसके अगेंस्ट मेरे को क्या मिल रहा है, कंसिडरेशन मिल रही है। तो ये सब चीजें ट्रेड बिल में होती थी, ठीक है। बट जो हमारा अकोमोडेशन बिल होता है तो अकोमोडेशन बिल में सेल एंड परचेज का ट्रांजैक्शन नहीं होता है। भाई हम लोग किसी को हेल्प करने जा रहे हैं फाइनेंशियल नेचर की, तो सेल और परचेज थोड़ी ना आ जाएगा उसमें। तो इसमें सेल और परचेज नहीं होता है और बच्चे इसमें कंसिडरेशन भी नहीं होती है, इसमें कंसिडरेशन भी नहीं होती है। बस इस बिल के थ्रू हम लोग एक दूसरे की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और हेल्प किस तरीके की होती है, फाइनेंशियल नेचर की होती है, फाइनेंशियल नेचर की होती है। तो सर अभी भी हमें समझ भी नहीं आया अकोमोडेशन बिल के बारे में। तो चलो बच्चे मैं आपको थोड़ा सा और समझाता हूं। तो मैं अब आपको एक कहानी बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आपको यह मालूम होना चाहिए ट्रेड बिल और अकोमोडेशन बिल दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। ट्रेड बिल जो अभी तक हम लोग पढ़ के आ रहे हैं जिसमें सेल और परचेज का ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व होता है और जिसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व होती है। बट अकोमोडेशन बिल जो हमारे होते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। और कैसी हेल्प करते हैं, फाइनेंशियल नेचर की हेल्प करते हैं, ठीक है। तो चलो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। तो इस एग्जांपल को बहुत अच्छे से समझना, और जो ये अकोमोडेशन बिल का टॉपिक है वो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपके एग्जाम में आएगा तो बच्चे या तो अकोमोडेशन बिल आएगा या फिर डिसऑनर से रिलेटेड कुछ आ जाएगा, ठीक है, डिसऑनर या फिर रिटायरमेंट से रिलेटेड कुछ आ जाएगा। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो चलो हम लोग अब इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है जी। तो समझने की कोशिश करना, ये बच्चे हमारे कौन है, ए हैं और ये कौन है, बी हैं, ठीक। ए और बी बहुत अच्छे दोस्त हैं, ए और बी बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो ये लोग एक दिन क्या करते हैं कि डिनर पे मिलते हैं, ये डिनर पे जाते हैं रेस्टोरेंट्स में। तो यहां पे ए बैठे होते हैं ऐसे और यहां पे बी बैठे होते हैं। तो ए बी से यहां पे बोलते हैं कि भाई आज का जो खाना है वो बहुत अच्छा है, मजा आ गई खाना खा के, भाई आज तो मटर पनीर मिला था। तो बी कहते हैं हाँ भाई हाँ आज तो मजा आ गया खाना खा के। फिर थोड़ी देर बाद क्या होते हैं, ए परेशान होने लगते हैं और ए यहाँ पे रोने लगते हैं। तो बी यहाँ पे ए से पूछते हैं कि भाई क्यों परेशान हो। तो ए यहाँ पे बोलते हैं कि भाई हमारे जो डेटर्स हैं वो हम लोगों को पेमेंट नहीं कर रहे हैं बहुत टाइम से और मेरे को पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, मेरे को अपने घर के खर्चे मीट आउट करने हैं, बिजनेस के एक्सपेंसेस पे ऑफ करने हैं, मेरा जो स्टाफ है मेरे से रोज सैलरी मांगता रहता है बट मेरे पास पैसे नहीं है। तो ए बी से क्या कहता है कि भाई आपके पास थोड़ा पैसा हो तो आप मेरे को दे दो। तो बी कहता है कि भाई मेरे पास तो अभी कोई पैसा नहीं है, मैं अभी आपको कैश तो नहीं दे सकता। तो ए फिर और रोने लगते हैं, ए के यहां पर अब आंखों से आंसू ऐसे से निकलना शुरू हो जाते हैं कि भाई ए को पैसे की जरूरत है। और ए कह रहे हैं कि भाई मेरे पास दो मंथ्स के अंदर पेमेंट आ जाएगा पार्टियों से, मेरे डेटर से पेमेंट आ जाएगा, तो दो मंथ्स के लिए मेरे पास बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो कहीं से आप मेरे लिए क्या करो, पेमेंट अरेंज कर दो। तो बट बी यहां पे बोलते हैं भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है। फिर ए बहुत जोरों से रोने लगते हैं। तो अच्छा बी बोलते हैं कि भाई अच्छा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ,
मैं कुछ इलाज करता हूं, ठीक है। तो यहां पे बी अपने एक फ्रेंड को कॉल करते हैं जिनका नाम क्या होता है, सी। सी कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट है सी, है ठीक है। तो सी यहां पे आते हैं कि भाई चलो मैं भी आता हूं। तो सी यहां पे आते हैं तो सी भी साथ में डिनर करने लगता है। तो सी यहां पे ए और बी को बताते हैं कि भाई आपको पैसे की जरूरत है और आपके पास पैसे नहीं है, और आप दोनों क्या हो, आपस में फ्रेंड हो, ठीक है, आप दोनों आपस में फ्रेंड हो। तो क्या करो, एक काम करो कि जो आप ए हो आपको पैसे की जरूरत है, तो आप एक बिल बी के ऊपर ड्रॉ कर दो, एक बिल बी के ऊपर ड्रॉ कर दो। तो यहां पे आप एक बिल्स रिसीवेबल अपने बुक्स में दिखाओगे, एक बिल ड्रॉ कर दो, आपको कितने रुपए की जरूरत है ए से पूछा। तो ए ने बोला कि मेरे को 1 लाख रुपीज की जरूरत है, तो ए ने बी के ऊपर 1 लाख रुपीज का बिल ड्रॉ कर दिया। ए की बुक्स में क्या आ गया, बिल्स रिसीवेबल, और बी के बुक्स में क्या आ गया, बिल्स पेबल, ठीक है। ए ने बी के ऊपर क्या करा, एक बिल ड्रॉ करा। यहां पे बच्चे सेल और परचेज तो कहीं इन्वॉल्व नहीं हुआ, बस ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ कर लिया। कौन देखने आ रहा है कि बिल जो ड्रॉ करा है वो सेल या परचेज के लिए करा है कि नहीं करा है, ये ऐसा किसने बोला, सी ने बोला, ठीक है। तो जनरली आप लोग ऐसी किसी को एडवाइस दीजिएगा नहीं, मैं ये जो एग्जाम्पल है इसका रियल लाइफ से कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है, इसका रियल लाइफ से कोई भी रिलेशन नहीं है, इट्स जस्ट फॉर फन है कि मैंने यहाँ पे सी को सी ए बोल दिया। तो आप लोग ऐसा एग्जाम्पल किसी को मत दीजिएगा, ठीक है। तो बिल्स रिसीवेबल ए के बुक्स में आ गया और बिल्स पेबल बी के बुक्स में आ गया, ठीक। तो यहां पे जो ये सी है, सी बोलते हैं ए से कि आपको ये बिल्स रिसीवेबल मिला है, आपको पैसे की जरूरत थी, तो आप दौड़ते हुए जाओ किसके पास, बैंक के पास। तो ए दौड़ते हुए किसके पास जाते हैं, बैंक के पास जाते हैं, और बैंक से क्या करते हैं, इस बिल को डिस्काउंट करा लेते हैं, डिस्काउंट करा लेते हैं, और बैंक ए को 99,000 रुपीज पे कर देती है, ठीक है। बैंक ए को 99,000 रुपीज पे कर देती है आफ्टर डिस्काउंटिंग चार्जेस ऑफ रुपीज 1,000। तो यहां पे सी क्या बोलता है कि भाई आपकी नीड तो पूरी हो गई, आपको 1,00,000 रुपए की जरूरत थी, तो आपको 1,00,000 रुपए मिल गया, मतलब 99,000 रुपीज तो मिल गए ना। तो जैसे कि 1,00,000 रुपए की जरूरत होती है, तो जो ये बिल ड्रॉ करेगा वो कितने का करेगा, 1,01,000 का करेगा, 1,000 का डिस्काउंट हो जाएगा। ऐसा रियल लाइफ में होता है, बट इट्स जस्ट फॉर एग्जांपल समझाने के लिए। तो समझने की कोशिश करना, ए को 99,000 रुपीज यहां पे मिल गए, ए ने क्या करा, 2 मंथ अपने खर्चे चलाए इससे, ठीक। 2 मंथ्स बाद जब बैंक बी से पेमेंट मांगने जाएगा इस बिल का, पेमेंट किसको करना है, बी को, तो आप क्या करना, जब इस बिल की ड्यू डेट आने वाली हो तब आपके पास क्या हो चुका होगा, पैसा आ चुका होगा। ए ने बोला था कि भाई 2 मंथ्स में मेरे पास पेमेंट्स आ जाएंगे, तो आप क्या करिएगा, ये 1,00,000 रुपीज आप बी को ट्रांसफर कर दीजिएगा, और बी क्या करेगा, बैंक को पेमेंट कर देगा। तो इससे क्या हो जाएगा, ए का पर्पस सॉल्व हो जाएगा। ए क्या करेगा, 2 मंथ्स बाद बी को 1,00,000 रुपीज ट्रांसफर कर देगा, क्योंकि ए ने बोला है कि भाई 2 महीने बाद मेरे पास 1,00,000 रुपए आ जाएंगे। तो ए ने बी को ट्रांसफर करा, बैंक पेमेंट मांगने किसके पास आएगा, बी के पास आएगा, तो बी क्या करेगा, 1,00,000 रुपीज का बैंक को पेमेंट कर देगा। तो ऐसा दिमाग लगाया किसने लगाया, सी ने लगाया। तो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ए बी की हेल्प कर रहे हैं, ए बी की हेल्प कर रहा है, और सॉरी बी ए की हेल्प कर रहा है, मैंने उल्टा बोल दिया, बी ए की हेल्प कर रहा है कि ए को पैसे की जरूरत थी, तो बी ने क्या करा, एक बिल एक्सेप्ट कर लिया अपने दोस्त की हेल्प के लिए। बी ने क्या करा, एक बिल एक्सेप्ट कर लिया है 1,00,000 रुपीज का, और ए ने उस बिल को डिस्काउंट करा लिया, और ए ने बी को ड्यू डेट से पहले क्या करा, पेमेंट ट्रांसफर करा, और बी ने पेमेंट कर दिया। तो ये बच्चे क्या हो गया, मेरा सिचुएशन 1 यहां पे क्रिएट हो गया। अब इसको मैं अपने बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करूंगा, तो चलो समझने की कोशिश करता हूं। तो मैंने यहां पे लिखा इन द बुक्स ऑफ ए, कहानी तो पहले आपको समझ में आ गई ना, कहानी में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, अगर दिक्कत हो तो आप मेरे को पर्सनली बता दीजिएगा, मैं फिर से भी एक्सप्लेन कर सकता हूं। तो वैसे मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सिंपल सी स्टोरी थी। तो ए और बी अपने बुक्स में क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे, तो चलो देखते हैं। तो मैंने आप एक लाइन ड्रॉ कर ली, तो ए ने सबसे पहले क्या करा होगा, एक बिल ड्रॉ करा होगा बी के ऊपर। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। मैंने क्या करा, बी के ऊपर एक बिल ड्रॉ करा 1,00,000 रुपीज का, ठीक। बी ने क्या करा होगा, इस बिल को एक्सेप्ट करा,
तो बी अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा, ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट कितना 1 लाख रुपीस, ठीक है जी। फिर ए ने क्या करा, इस बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया, तो ए को क्या मिल रहा है, पेमेंट मिल रहा है, तो मैंने यहां लिखा बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो बैंक में मेरे को कितना मिल रहा है, 99,000 रुपीज, 1,000 रुपीज के डिस्काउंटिंग चार्जेस, और बचे 1 लाख रुपीज का बिल था, ठीक है। तो यहां पे बी के बुक्स में तो कोई एंट्री नहीं होगी। फिर बच्चे जब ड्यू डेट आ जाएगी, जब ड्यू डेट आने वाली होगी या फिर आ जाएगी ड्यू डेट से पहले, ए क्या करेगा, बी को 1 लाख रुपीज ट्रांसफर कर देगा, क्योंकि बैंक तो पेमेंट किसके पास मांगने जाएगी, बी के पास जाएगी। तो यहां पे ए बी को पेमेंट ट्रांसफर करेगा, तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, बी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट कितना 1 लाख रुपीज। और बी यहां पे क्या करेंगे, ऑन ड्यू डेट बैंक को पेमेंट कर देंगे, तो कितना पेमेंट बी यहां पे कर देंगे, 1 लाख रुपीज का। तो ड्यू डेट में पहले क्या होगा, ए ने बी को पेमेंट ट्रांसफर करा है, तो बी पहले क्या करेंगे, अपने पास पेमेंट रिसीव करने की एंट्री करेंगे, फिर क्या करेंगे, बैंक को पेमेंट करेंगे। तो यहां पे क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, ए से पैसा मिला, कितना मिला, 1 लाख रुपीज मिला, और बी अब क्या करेंगे, बैंक को पेमेंट कर देंगे, बी क्या करेंगे, बैंक को पेमेंट कर देंगे बिल का। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बी ने क्या करा, बिल का पेमेंट कर दिया बैंक को, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना, 1 लाख रुपीज। तो ये होता है बच्चे क्या, एकोमोडेशन बिल। तो बी ए को यहां पे क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, फाइनेंशियल नेचर की हेल्प कर रहा है। तो बच्चे ऐसे हम लोग अपने अकोमोडेशन बिल को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले क्या कर रहा था, ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ करा, उसकी एंट्री कर ली, फिर ए ने डिस्काउंट कराया, उसकी एंट्री कर ली, ड्यू डेट में ए ने बी को पैसे ट्रांसफर करे, तो उसकी एंट्री मैंने दोनों के बुक्स में कर ली, और बी ने क्या करा, बैंक को पेमेंट कर दिया, तो उसकी भी एंट्री कर ली। तो ये बच्चे क्या था, सिचुएशन नंबर 1 थी, जो सबसे इजी सिचुएशन होती है, ठीक है। तो अगर ये सिचुएशन समझ में आ गई है आपको बहुत अच्छे से, तो मैं आपको आगे की सिचुएशंस भी समझा ले जाऊंगा। तो चलो और सेकंड सिचुएशन पे आते हैं। तो यहां पे सेकंड सिचुएशन भी समझने की कोशिश करना, अगर आपको ये सब सिचुएशन समझ में आ गई तो बच्चे एक भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो जैसे जैसे मैं सिचुएशन बताते जा रहा हूं, बस समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब यहां पे ए है और यहां पे कौन है, बी है, ठीक। ए और बी फिर से मिलते हैं डिनर पे, ठीक है। यहां पे डिनर पे आते हैं, यहां पे बैठे होते हैं, ये ए है और ये बी है, ठीक है जी। ए और बी दोनों ही बैठे होते हैं, तो ए और बी बढ़िया से डिनर कर रहे होते हैं। तो ए यहां पे बोलता है कि भाई मेरे को पैसे की जरूरत है, बहुत ज्यादा दिक्कत चल रही है। तो यहां पे बी भी अब की ओर बोलता है कि भाई मेरे को भी पैसे की जरूरत है। तो दोनों बोलने लगते हैं कि यार इतनी ज्यादा दिक्कतें चल रही हैं कि दोनों लोगों को पैसे की जरूरत है। तो दोनों लोग एक दूसरे से पैसे मांगने लगते हैं, पर दोनों लोग कहते हैं कि भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं अपनी रिक्वायरमेंट्स नहीं पूरी कर पा रहा हूं, तो आपको कैसे पैसे दूं। फिर उधर में से मिस्टर सी गुजर रहे थे, तो सी यहां पे आते हैं और पूछते हैं कि भाई दोनों लोग क्यों परेशान हो। तो ए बताता है कि भाई मेरे को भी पैसे की जरूरत है, बी बताता है कि मेरे को भी पैसे की जरूरत है। तो यहां पे जो ये सी हैं, सी बोलते हैं कि मैं किस लिए दिन के लिए बैठा हुआ। तो ए और बी खुश हो जाते हैं सी की तरफ देखते हुए कि भाई सी हम लोगों को शायद पैसे दे देगा। तो सी कहता है भाई मेरे पास भी पैसे नहीं है, बट मैं आपकी एक हेल्प कर सकता हूं। तो सी क्या कहता है यहां पे ए और बी से कि भाई आपको भी पैसे की जरूरत है, आपको भी पैसे की जरूरत है। ए कहता है कि मेरे को जो रिक्वायरमेंट है वो 1 लाख रुपीज की है, और बी यहां पे कहता है जो मेरे को रिक्वायरमेंट है वो 50,000 रुपीज की है, ठीक है। ए कहता है उसको रिक्वायरमेंट 1 लाख रुपीज की है, और बी क्या कहता है उसको रिक्वायरमेंट कितने की, 50,000 रुपीज की है। तो
तो यहाँ पे सी क्या कहता है कि भाई आप लोगों की टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है पहले ये बता दो। तो टोटल रिक्वायरमेंट यहाँ पे कितनी है, 1,50,000 रुपीज की है, ठीक है, 1,50,000 रुपीज की रिक्वायरमेंट है। तो सी कहता है कि भाई आप क्या करो, ए एक बिल ड्रॉ कर दो बी के ऊपर, बिल ड्रॉ कर दो कितने का, 1,50,000 रुपीज आप लोगों को जरूरत है, तो चलो भाई 1,52,000 रुपीज का बिल ड्रॉ कर दो, ठीक। तो 1,52,000 रुपीज का ए ने बी के ऊपर बिल लॉक करा, तो ए अपने बुक्स में क्या लिखेगा, बिल्स रिसीवेबल, और बी अपने बुक्स में क्या लिखेगा, बिल्स पेबल। फिर आप ए क्या करना, बैंक के पास चले जाना, बैंक के पास जाना दौड़ते दौड़ते, और इस बिल को क्या करना, डिस्काउंट करा लेना। तो बैंक अपने डिस्काउंट चार्जेस लेगी, मतलब बैंक अपने डिस्काउंटिंग चार्जेस जो भी लेगी, तो डिस्काउंटिंग चार्जेस फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कितना अज्यूम कर लिया, 2,000 रुपए, 2,000 रुपए बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस लेगी, और ए को कितना पेमेंट कर देगी, 1,50,000 रुपीज का, ठीक, 1,50,000 रुपीज का बैंक ए को पेमेंट यहां पर कर देगी, ठीक। ए को कितने चाहिए थे, सिर्फ 1,00,000 रुपए चाहिए थे, तो ए यहां पर क्या करेगा, 50,000 रुपीज बी को ट्रांसफर कर देगा। भाई ए की रिक्वायरमेंट तो सिर्फ 1,00,000 रुपए की थी, तो 1,00,000 रुपए तो अपने पास ए रख लेगा, 1,00,000 रुपीज अपने पास रख लेगा, और 50,000 रुपीज बी को ट्रांसफर कर देगा यहां पे, तो बी को भी कितना मिल जाएगा, 50,000 रुपीज मिल जाएगा। और ए और बी यहां पे क्या बोल रहे थे कि 2 मंथ्स बाद उनको पैसा मिल जाएगा, मतलब 2 मंथ्स बाद कहीं ना कहीं से पैसा आ जाएगा, तो हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लेंगे तब। तो 2 मंथ्स का ये बिल ड्रॉ करा था 1,52,000 रुपीस का, जो बैंक से डिस्काउंट करा, डिस्काउंटिंग चार्जेस 2,000 थे, ए ने अपने पास 1,00,000 रुपीस रख लिया, और बी को 50,000 रुपीस ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब यहां पे बच्चे समझने की कोशिश करना कि अब यहां पे क्या होगा, जब ए ने बी को 50,000 रुपीस ट्रांसफर करे, ठीक है, तो भाई ए 1,00,000 रुपीस ले रहा है, बी 50,000 रुपीस ले रहा है, तो भाई डिस्काउंट सिर्फ ए क्यों बियर करेगा, दोनों को मिलकर बियर करना चाहिए। तो 2,000 रुपए का जो ये डिस्काउंट है, ए और बी दोनों बियर करेंगे, सिर्फ ए क्यों बियर करेगा भाई, डिस्काउंट पैसे की रिक्वायरमेंट तो दोनों की थी, पैसे दोनों लोग ले रहे हैं, तो दोनों को डिस्काउंट बियर करना चाहिए। तो 2,000 रुपए का डिस्काउंट है, वो दोनों लोग बियर करेंगे, किस रेशियो में बियर करेंगे, जिस रेशियो में वो लोग पैसे लेकर जा रहे हैं। तो ए जो पैसे लेकर जा रहा है वो बच्चे कितने लेकर जा रहा है, 1,00,000 रुपए लेकर जा रहा है, और बी कितना लेके जा रहा है, 50,000 रुपए लेकर जा रहा है। तो मैं क्या करूंगा, डिस्काउंट को प्रोपोर्शनेटली बांट दूंगा, तो मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, 2,000 × 1,00,000 रुपए ए लेकर जा रहा है, और टोटल अमाउंट कितना रिसीव हुआ है, 1,50,000 रुपीज का। तो 2,000 रुपए का डिस्काउंट है, और 50,000 बी लेकर जा रहा है, और टोटल अमाउंट कितना है, 1,50,000 रुपीज। तो दोनों लोग क्या करेंगे, डिस्काउंट जो है वो प्रोपोर्शनेटली बियर करेंगे, कितना डिस्काउंट, ए बियर करेगा 1,333, और बी कितना बियर करेगा, 667, ठीक है। तो दोनों लोग इतना इतना डिस्काउंट बियर करेंगे, ठीक है। फिर बैंक क्या करेगा, मैच्योरिटी में बी के पास पैसे मांगने जाएगा, बैंक बी के पास पैसे मांगने जाएगा कि भाई 1,52,000 रुपीज का पेमेंट कर दो, 1,52,000 रुपीज का बी के पास पेमेंट मांगने कौन जाएगा, बैंक जाएगा। तो बी यहां पे क्या बोलेंगे कि भाई मेरा शेयर कितना है, 50,000 रुपीज मेरे को मिले, प्लस 667 के डिस्काउंटिंग चार्जेस है, तो मेरे को तो 50,667 पे करना है। तो ए क्या करेंगे, मैच्योरिटी से पहले अपना अमाउंट भी ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि बैंक को तो भाई 1,52,000 रुपीज चाहिए, तो 1,52,000 रुपीज बी अकेले क्यों पे करेगा, ए को भी पे करना पड़ेगा। तो ए मैच्योरिटी से पहले अपना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, मतलब 1,00,000 रुपीज उन्होंने लिया ही लिया था, प्लस डिस्काउंटिंग चार्जेस का अमाउंट भी ए को बेयर करना है, तो 1,333, तो ये टोटल मिलके कितना हो जाएगा, 1,52,000 रुपीज, ठीक है। 1,52,000 रुपीज जब बी के पास आ जाएंगे, तो बी क्या करेगा, बैंक को ड्यू डेट में पेमेंट कर देगा, मतलब बी कितना पेमेंट करेगा, 50,667, क्योंकि बी ने 50,667 का बेनिफिट लिया है, और ए ने कितने का बेनिफिट लिया है, 1,01,333 का बेनिफिट लिया है, तो ए इतना पे करेगा, बी इतना पे करेगा। तो ये बच्चे क्या थी, मेरी दूसरी सिचुएशन थी। तो इस सिचुएशन में हम लोग ए और बी के बुक्स में क्या एंट्री करेंगे, तो चलो समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने यहां पे लिखा ए और बी, ये बच्चे ए की बुक्स हैं और ये बी की बुक्स में। तो ये अगर आपको सिचुएशन बहुत अच्छे से समझ में आ गई, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको अकाउंटिंग एंट्री करने के लिए।
तो चलो फटाफट से अकाउंटिंग एंट्री करते हैं दोनों के बुक्स में। तो चलो जी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या कर रहा है, ए बी के ऊपर एक बिल ड्रॉ कर रहा है, ए बी के ऊपर एक बिल ड्रॉ कर रहा है। तो मैं यहां पे क्या एंट्री करूंगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट कितना, 1,52,000 रुपीज का, 1,52,000 रुपीज का ए ने बी के ऊपर क्या करा है, बिल ड्रॉ करा है। और बी ने क्या करा, इस बिल को एक्सेप्ट कर लिया। तो बी के अकाउंटिंग एंट्री करेगा ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट कितना अमाउंट है, 1,52,000 रुपीज, 1,52,000 रुपीज। तो ये बच्चे बिल जो ड्रॉ करा बी ने एक्सेप्ट कर लिया, इसकी मैंने एंट्री कर ली। अब क्या करता है, ए बैंक के पास जाता है और इस बिल को डिस्काउंट कराता है। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो बैंक में मेरे को कितना पेमेंट मिल रहा है, 1,50,000 रुपीज, 2,000 रुपीज के डिस्काउंटिंग चार्जेस है। और बच्चे टोटल जो बिल का अमाउंट है वो कितना है, 1,52,000 रुपीज है, ठीक है। तो यहां पे बी के बुक्स में तो अभी कोई एंट्री नहीं आई, ठीक। फिर क्या करेगा, ए बी का शेयर उनको ट्रांसफर करेगा। तो मैं यहां पे क्या एंट्री कर सकता हूं, बी अकाउंट डेबिट। तो बी के अकाउंट को मेरे को डेबिट करना है, ठीक है। तो बी अकाउंट डेबिट, और मैं बी को क्या दे रहा हूं, कैश या बैंक के थ्रू पेमेंट कर लाऊंगा। तो चलो मैंने यहां पे लिख दिया बैंक अकाउंट, बैंक से मैंने पेमेंट करा, प्लस मैं डिस्काउंटिंग चार्जेस प्रोपोर्शनेटली बी को ट्रांसफर करूंगा। भाई 2,000 रुपए मैं अकेले क्यों बियर करूंगा, बी भी तो हिस्सा ले रहे हैं अपना इसमें। तो बी का जो शेयर होगा वो मैं बी को ट्रांसफर कर दूंगा। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, टू डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट। तो हम लोग क्या करेंगे, बी का शेयर उनको ट्रांसफर कर देंगे। तो बी को मैं पेमेंट कितना ट्रांसफर कर रहा हूं, 50,000 रुपीज, और डिस्काउंटिंग चार्जेस उनके कितने ट्रांसफर कर रहा हूं, 667 के। तो टोटल मैं डेबिट कितना करूंगा बी को, 50,667 से। बी अपने बुक्स में क्या अकाउंटिंग एंट्री करेंगे इसकी, तो बी यहां पे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। बी को पैसे मिल रहे हैं और बी क्या बेयर कर रहे हैं, डिस्काउंटिंग चार्जेस भी बेयर कर रहे हैं। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस बी के लिए क्या हो जाएगा, ये एक्सपेंस हो जाएगा। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, तो ए से बी को कितने पैसे मिले, 50,000 रुपीज। डिस्काउंटिंग चार्जेस बी बेयर कर रहे हैं कितना, 667। टोटल कितना हो गया, 50,667, ठीक है जी। तो ये बच्चे एंट्री हो गई जब हम लोगों ने क्या करा, बिल ड्रॉ करा और बिल को डिस्काउंट करा और बिल का पैसा ट्रांसफर करा, ठीक है जी। अब बच्चे क्या होता है, मैच्योरिटी आने वाली होती है, ड्यू डेट आने वाली होती है, ठीक है। तो जब कभी भी ड्यू डेट आएगी तब ए क्या करेगा, बी को पेमेंट ट्रांसफर करेगा, क्योंकि बैंक तो बी से पैसा मांगने आएगी। तो ए अब क्या करेगा, पेमेंट ट्रांसफर करेगा बी को। तो चलो इसकी भी एंट्री करते हैं। तो यहां पर लिखना ऑन मैच्योरिटी, तो मैच्योरिटी में क्या होगा, ए बी को पेमेंट ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब अपना शेयर उनको ट्रांसफर करेंगे क्योंकि बी को पेमेंट करना होगा बैंक को। तो ए कितना ट्रांसफर करेंगे, 1,01,333। तो मैं यहां पे क्या एंट्री कर सकता हूं, बी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना ट्रांसफर करेंगे, 1,01,333
33 1,01,333। तो ए ने बी को 1,01,333 ट्रांसफर करे और बी ये पेमेंट को रिसीव करेंगे, तो बी अपने बुक्स में क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, ए से पैसा मिला कितना 1,01,333 और 1,01,333 रुपीस, ठीक है। फिर अब बी क्या करेंगे, बैंक को पेमेंट कर देंगे बिल का, तो बी क्या एंट्री करेंगे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना 1,52,000 रुपीस, बैंक को पेमेंट हो गया कितना 1,52,000 रुपीस का पेमेंट यहां पे बैंक को हो गया। तो ये बच्चे क्या थी, मेरी सेकंड सिचुएशन थी। तो सेकंड सिचुएशन भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो सेकंड सिचुएशन में भी ऐसा कुछ खास नहीं था, सेकंड सिचुएशन में ए और बी दोनों को पैसे की जरूरत होती है, तो भाई दोनों लोग डिस्काउंट भी साथ में बेयर करेंगे, जितना पैसा लेंगे प्रोपोर्शनेटली उतना डिस्काउंट भी बेयर करेंगे। जो मैंने पहला केस कराया था उसमें सिर्फ ए को पैसे की जरूरत थी तो भाई ए अकेला डिस्काउंट बेयर करेगा, सेकंड केस में दोनों को पैसे की जरूरत थी तो दोनों लोग डिस्काउंट बेयर करेंगे। तो ये बच्चे मेरे दो केस यहां पे हो गया, ठीक है जी। अब बच्चे हम लोग थर्ड सिचुएशन को डिस्कस करने जा रहे हैं, तो जो ये मेरी थर्ड सिचुएशन है वो बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट सिचुएशन है और यही जनरली एग्जाम्स में आती है, तो इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहां पर फिर से ए और बी थे, ठीक, ए और बी दो लोग थे और दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। तो ए और बी फिर से क्या करते हैं, डिनर पे मिलते हैं, यहां पे डिनर पे मिलते हैं और दोनों लोग ऐसे बैठे होते हैं और ए बोलता है कि भाई मेरे को पैसे की जरूरत है और बी भी बोलता है कि भाई मेरे को भी पैसे की जरूरत है, ठीक। तो इस बार ये दोनों आपस में डिस्कस करते हैं और इस बार कोई सीन नहीं आता है क्योंकि इन लोगों को पहले से ही पता होता है कि हम लोग ये काम कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में इन लोगों को पता चल जाता है, मतलब ये लोग ये काम दो बार पहले से कर चुके हैं तो इस बार इनको पता होता है, तो इस बार ये सी को नहीं बुलाते हैं, इस बार ये लोग अपना दिमाग लगाते हैं। तो ए यहां पे बोलता है कि भाई मेरे को 1,00,000 रुपीज की जरूरत है और बी यहां पे क्या बोलता है, मेरे को 50,000 रुपीज की जरूरत है, ठीक। ए यहां पे क्या बोलता है, मेरे को 1,00,000 रुपीज की जरूरत है, बी यहां पे क्या बोलता है, मेरे को 50,000 रुपीज की जरूरत है, ठीक। तो बी ए से कहता है कि भाई आप मेरे पे एक बिल ड्रॉ कर लो और उस बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लो, पैसे मिल जाएंगे और दोनों का काम होता रहेगा। तो ये इन लोगों ने बोला कि भाई दो मंथ्स बाद हम दोनों के पास पेमेंट आ जाएगा और हम लोग क्या करेंगे, बैंक को पेमेंट कर देंगे। तो ए ने कहा चलो ठीक है। तो ए ने क्या करा, यहां पे बी के ऊपर एक बिल ड्रॉ करा और बिल जो ड्रॉ करा है वो कितने का करा है, 1,53,000 रुपीज का ड्रॉ करा, 1,53,000 रुपीज का ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ कर रखा है, ठीक। ए फिर बैंक के पास जाता है और इस बिल को डिस्काउंट करा लेता है और जो ये बिल था वो कितने मंथ्स का था, 2 मंथ्स का था, ठीक है। डिस्काउंट कराया और डिस्काउंटिंग चार्जेस इस बार बैंक ने 3,000 रुपीज ले लिया और बैंक ने ए को कितना दे दिया, 1,50,000 रुपीज दे दिया। ए ने क्या करा, बी का शेयर उनको ट्रांसफर कर दिया, 50,000 रुपीज बी का शेयर ट्रांसफर कर दिया प्लस उनका डिस्काउंट भी ट्रांसफर कर देंगे, तो डिस्काउंट कितना निकल के आएगा, 3,000 रुपीज का, 3,000 रुपीज का डिस्काउंट था। तो ए कितना बेयर करेंगे और बी कितना बेयर करेंगे, तो ए जो बेयर करेगा वो कितना करेगा, 1,00,000 रुपीस लेकर जा रहे, कितने में, 1,50,000 रुपीस में और टोटल डिस्काउंट कितना है, 3,000 रुपीस का। और बी कितना बेयर करेंगे, 3,000 इंटू 50,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000, तो बी यहां पे बेयर करेंगे 1,000 रुपीस का डिस्काउंट और ए यहां पे कितना बेयर करेंगे, 2,000 रुपीस का डिस्काउंट, ठीक है जी। अभी तक तो बात समझ में आ गई होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये सब चीजें हम लोग पिछले एग्जांपल में भी डिस्कस कर चुके थे, ठीक। तो बी को पेमेंट ट्रांसफर कर दिया 50,000 रुपीस का प्लस डिस्काउंट जो उनका था 1,000 रुपीस का, डिस्काउंट का शेयर भी उनको ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। फिर बैंक क्या करेगा, मैच्योरिटी में बी से पेमेंट मांगेगा, तो ए को क्या करना चाहिए, मैच्योरिटी में बी को
पैसे ट्रांसफर कर देने चाहिए, ठीक है। बट बच्चे जब क्या होता है, मैच्योरिटी आती है, तो ए बोलता है कि भाई अभी तक पैसे का जुगाड़ नहीं हो पाया, पैसे अभी तक अरेंज नहीं हो पाया, और बी कहता है कि भाई मेरी भी यही हालत है, मेरे पास भी एक जगह से पैसे आने थे, मेरे डेटर ने मेरे को अभी तक पेमेंट नहीं करा है, और बैंक मेरे पास पैसे मांगने कल या परसों में आ जाएगा, क्योंकि परसों मैच्योरिटी डेट है और बैंक मेरे से पैसा मांगने आने वाला है, तो हमें फिर से कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ए कहता है कि मेरे पास भी पैसा नहीं है, और बी कहता है मेरे पास भी पैसा नहीं है, ठीक। दोनों लोग ये बोलते हैं कि भाई हम दोनों के पास पैसा तो नहीं है, तो हमें बैंक को तो पर पेमेंट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से, बैंक तो पेमेंट मांगने आ जाएगा बी के पास। तो यहां पे भाई ए और बी दोनों के दोनों परेशान होने लगते हैं। तो ए और बी फिर क्या करते हैं, दौड़ते 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 उनके फ्रेंड सी के पास यहां पे जाते हैं, और सी को अपनी पूरी बात बताते हैं कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है कि हम लोगों ने एक बिल ड्रॉ करा था, ए ने मेरे ऊपर बिल ड्रॉ करा था, और भाई ना ए के पास पैसा है ना बी के पास पैसा है, हम लोग बिल का पेमेंट कैसे करें, और बच्चे परसों बैंक आके मेरे पास पैसे मांगने लगेगा, तो हम लोगों को कहीं ना कहीं से तो भाई पेमेंट करना पड़ेगा। तो सी कहता है कि भाई क्यों परेशान है, मैं बैठा तो हूं। तो ए और बी उसका चेहरा देखने लगते हैं कि शायद सी मेरे को क्या करेगा, पैसे देगा, बट सी मना कर देता है कि भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो ए और बी कहते हैं कि भाई फिर कैसे हेल्प करोगे, आप तो कह रहे हो कि मैं तो बैठा ही हूं। तो सी यहां पे क्या बोलते हैं बी से कि भाई ए ने आपके ऊपर बिल लॉक करा था 153,000 का, आपको पेमेंट करना है कितने का, 153,000 रुपीज का पेमेंट करना है बैंक को। तो अब की बार क्या करो बी, आप क्या करो ए के ऊपर एक बिल लॉक कर दो। अब की बार बी आप क्या करो ए के ऊपर एक बिल लॉक कर दो, और इस बिल का अमाउंट कर दो 156,000 रुपीज, ठीक है। 156,000 रुपीज का बिल आप क्या करो ए पे लॉक कर दो, ठीक है। और बी क्या करो, आप दौड़ते 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 बैंक के पास जाओ अपने, और इस बिल को क्या करो बैंक से डिस्काउंट करा लो। तो बैंक ने क्या करा, डिस्काउंटिंग चार्जेस ले लिए 3,000 रुपीस, ठीक। बैंक ने डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने लिए, 3,000 रुपीस ले लिए, ठीक है। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने बैंक ने लिए, 3,000 रुपीस। तो बी को कितना पेमेंट करा बैंक ने, 153,000 रुपीस का पेमेंट कर दिया बैंक ने, और जो ये पेमेंट मिलेगा आपको बिल को डिस्काउंट करने के बाद, तो 153,000 रुपीस का आपको पेमेंट मिला, आप क्या करना 153,000 ये वाली बैंक को पे कर देना जो पुराना बिल था, इस पुराने बिल का आप क्या करना ये वाली बैंक को पेमेंट कर देना 153,000 रुपीस का, ठीक है। तो बी कहता है यार ये तो इतना बढ़िया आइडिया, तो क्या करा बी ने यहां पर, ए के ऊपर बिल ड्रॉ करा फिर से कितने मंथ्स का, 2 मंथ्स का ड्रॉ करा, और इस बिल को जाके बैंक से डिस्काउंट कराया, डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने निकले मेरे 3,000 रुपीस, और बच्चे बी को 153,000 रुपीस यहां पे मिल गया, ठीक है। बी को 153,000 रुपीस मिला, और बच्चे बी ने क्या करा बैंक का पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि जो ये बिल है, मतलब ये वाले बिल का तो पेमेंट भाई खत्म हो गया, इस बिल का तो पेमेंट हो गया, तो इस बैंक का क्या हो गया, सेटलमेंट हो गया। फिर 2 महीने बाद जब ये वाली बैंक है वो अब पेमेंट किसके पास मांगने जाएगी, ए के पास मांगने जाएगी। ये जो बैंक नंबर 2 है, ठीक है, मैं बैंक को नंबर देता हूं, ये बैंक नंबर 1 है, ये बैंक नंबर 2 है। तो ये वाली बैंक अब किससे पेमेंट मांगेगी, ए से मांगेगी, क्योंकि बी ने ए के ऊपर बिल ड्रॉ करा है और ए ने एक्सेप्टेंस दिया। तो अब ये वाली बैंक ए के पास पेमेंट मांगने जाती है, ठीक है। अच्छा, जो ये डिस्काउंट था 3,000 रुपीज का, ये दोनों लोग इक्वली बेयर करेंगे, मतलब प्रोपोर्शनेटली बेयर करेंगे, मतलब 1,00,000 रुपीज का बेनिफिट ए ले रहा है और 50,000 रुपीज का बेनिफिट कौन ले रहा है, बी ले रहा है। तो दोनों लोग प्रोपोर्शनेटली इस डिस्काउंट को बेयर करेंगे, ठीक है, दोनों लोग प्रोपोर्शनेटली बेयर करेंगे। तो मतलब एक जो ए का जो शेयर था वो कितना था, 1,02,000 रुपीज था ना, इस बिल में कितना शेयर था 1,02,000, और बी का था 51,000। तो जो भी शेयर बन के आएगा 1,02,000 और 51,000, तो जो भी निकल के आएगा दोनों लोग आपस में डिस्काउंट बेयर करेंगे, ठीक है। फिर बैंक ने ये वाली ए के पास पेमेंट मांगने गई मैच्योरिटी में। तो जब ये बैंक पेमेंट मांगने जाएगी मैच्योरिटी में, तो ए को पेमेंट कितना करना होगा बच्चे, ए को जो पेमेंट करना होगा कितना करना होगा, 1,02,000 रुपीज तो था ही था, ठीक, प्लस ये वाले बिल का डिस्काउंट भी बेयर कर रहा है। तो डिस्काउंट अगर बेयर करेगा तो डिस्काउंट कितना, 2,000 रुपए ही ए का बनेगा आई थिंक, ठीक है। तो ए को टोटल पेमेंट कितना करना है, 1,04,000 रुपीज, और ए बी से क्या कहेगा कि भाई मेरे को पेमेंट दो।
ए बी से क्या बोलेगा कि भाई मेरे को पेमेंट दो, कितना अपना शेयर पूरा का पूरा दो, क्योंकि बैंक मेरे पास 1,56,000 रुपीज मांगने आएगा। मैंने 1,56,000 का बिल कितने में डिस्काउंट कराया था, 1,53,000 रुपीज में। तो बी से क्या कहता है कि भाई अपना शेयर भी ट्रांसफर कर दो, मतलब 51,000 रुपीज तो ओल्ड वाला था प्लस 1,000 रुपीज जो आपने डिस्काउंट बेयर करा है, तो 1,56,000 रुपीज कर दो, तो मैं क्या करूंगा, पेमेंट कर दूंगा। बट बी क्या होते हैं, मैच्योरिटी में इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, बी मैच्योरिटी में इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। तो जब बी इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो ए को पूरा का पूरा पेमेंट किसको करना पड़ता है, बैंक को, क्योंकि भाई बैंक तो अपना पैसा ले गई, चाहे वो जैसे भी ले। तो बी इंसॉल्वेंट हो जाते हैं और ओनली ओनली 20 पैसा इन अ रुपी इज रिकवरेबल, 20 पैसा इन अ रुपी इज रिकवरेबल। तो बी से सिर्फ 20 पैसा इन आ रुपी रिकवर हो सकता है ऑन मेच्योरिटी, और बी क्या होते हैं, यहां पे इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। तो पूरा का पूरा पेमेंट किसको करना पड़ेगा, ए को, बैंक को करना पड़ेगा, और बचे जो भी 20 पैसा इन रुपी मिल पाएगा ए को, वो मिल जाएगा। तो ये बचे थर्ड सिचुएशन यहां पे क्रिएट हुई। थर्ड सिचुएशन भी हो सकता है आपको थोड़ा सा कम समझ में आई हो, तो चलो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है, एक बार फिर से बहुत अच्छे से सुनना, क्योंकि यही सिचुएशन आपके एग्जाम में आएगी। तो ये ए है और ये बी, ठीक है। ए सबसे पहले क्या करता है, बी के ऊपर एक बिल ड्रॉ करता है, क्योंकि दोनों को पैसे की जरूरत थी, दोनों को पैसे की जरूरत थी। तो 1,53,000 का बिल ड्रॉ करा ए ने बी के ऊपर, और ए ने इस बिल को डिस्काउंट कराया, कितना मिला, 1,50,000 रुपीज ए को मिला, ठीक है। 1,50,000 रुपीज का बिल किसको मिला, 1,50,000 रुपीज मिले, और डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने थे, 3,000 रुपीज। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस तो दोनों ने क्या करा, प्रोपोर्शनेटली बेयर करे, जितना जितना बेनिफिट दोनों ने लिया। ए ने बी को 50,000 रुपीज ट्रांसफर करे और उनका डिस्काउंट का शेयर ट्रांसफर कर दिया, ठीक। फिर जब मैच्योरिटी आती है फर्स्ट बिल की, ये जो फर्स्ट बिल है मेरा, इसकी जब मैच्योरिटी आती है तो ना ही ए के पास पैसा है ना ही बी के पास पैसा है, तो ये लोग अपने फ्रेंड सी के पास जाते हैं कि भाई हम लोग इस सिचुएशन में क्या करें। तो सी एडवाइस करता है बी को कि भाई आप एक बिल ड्रॉ करिए ए के ऊपर 1,56,000 का, और इस बिल को बैंक के पास जाके डिस्काउंट कराइए, अपने बैंक के पास जाके इसको डिस्काउंट कराइए। तो बैंक ने 3,000 रुपीज के डिस्काउंटिंग चार्जेस लिए और बचे 1,53,000 रुपीज बी को दिया, और बी ने इस 1,53,000 से ये वाले बिल का पेमेंट कर दिया, फर्स्ट बैंक को पेमेंट कर दिया, मतलब फर्स्ट बिल का पेमेंट यहां पे हो चुका है, ठीक है जी। और जो ये डिस्काउंट था ये दोनों लोग इक्वल मतलब प्रोपोर्शनेटली बेयर करेंगे, जितना भी बेनिफिट होगा। तो 3,000 रुपए का डिस्काउंट फिर से आया, तो ए का बेनिफिट कितना था, 1,02,000 रुपीज का, और बी का बेनिफिट कितना हो जाएगा अब, 51,000 रुपीज, क्योंकि 1,53,000 रुपीज का जो पेमेंट करना था, तो 1,00,000 रुपए तो ए ने क्या करा था, पेमेंट लिया था, प्लस 2,000 रुपए का डिस्काउंट, तो ये कितना हो गया, 1,02,000। सिमिलरली 1,000 प्लस 50,000 रुपीज कितना हो गया, 51,000 रुपीज। तो ए का शेयर फिर से डिस्काउंट में कितना आएगा, 2,000 रुपए आएगा, आप लोग निकाल लेना, ये 1,000 रुपीज आएगा। चलो मैं बता ही देता हूं कितना बनेगा, 3,000 × 1,02,000 डिवाइडेड बाय 1,53,000, क्योंकि 1,53,000 रुपीज मिला है, और इनका कैसे निकलेगा, 3,000 × 51,000 डिवाइडेड बाय 1,53,000। तो ये इनका शेयर निकल के आया, तो डिस्काउंट ये लोग क्या करेंगे, आपस में बांट लेंगे, जितना भी बेनिफिट दोनों लोग ले रहे हैं, ए कितने का बेनिफिट ले रहे हैं, 1,02,000 का, और बी कितने का बेनिफिट ले रहे हैं, 51,000 रुपए का, ठीक है। तो अब जो ये बैंक सेकंड है वो बिल का पेमेंट किसके पास मांगने जाएगी, ए के पास मांगने जाएगी यहां पर। तो बैंक गई ए के पास पेमेंट मांगने, तो ए को बी से पैसा लेना पड़ेगा, ए को बी से पैसा लेना पड़ेगा, मतलब उनका शेयर कितना, 51,000 प्लस 1,000, जो ये 51,000 तो पहले का था, 1,000 रुपीज का एडिशनल डिस्काउंट, मतलब ए ने बी से कहा कि भाई मेरे को 52,000 रुपीज दे दो। तो बी दौड़ते दौड़ते आते हैं और उनको दिखाते हैं कि भाई मैं इंसॉल्वेंट हो चुका हूं, ये देखो मेरा इंसॉल्वेंसी सर्टिफिकेट, और मेरे से सिर्फ आपको 20 पैसा इन रुपये मिल पाएगा। तो बी कितना पे करेंगे, 52,000 रुपीज का 20 पैसा बी ए को पे कर देंगे, और बाकी क्या हो जाएगा, ए के लिए बैड डेब्ट्स हो जाएंगे, ठीक है। बट बैंक तो भाई पूरा पैसा लेगा ना इसे, तो एक कहीं से भी पैसा अरेंज करेगा और बैंक को क्या करेगा, पेमेंट करेगा,
बैंक को तो भाई पेमेंट करना ही पड़ेगा चाहे जो कुछ भी हो जाए, तो ए तो पेमेंट करेगा बैंक को, तो ए को हो सकता है अपने कुछ एसेट्स को सेल ऑफ करना पड़े, हो सकता है घर के कुछ एसेट्स को सेल ऑफ करे, तो बट ए को पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बी तो भाई इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, बी तो इंसॉल्वेंट हो चुके हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई दोनों के दोनों इंसॉल्वेंट हो जाए, तो ऐसा जनरली सिचुएशंस नहीं होती हैं एग्जाम में, ठीक है, दोनों के दोनों इंसॉल्वेंट नहीं होंगे तो ऐसा कोई सिचुएशन आपको एग्जाम में नहीं दिया जाएगा। अगर दोनों इंसॉल्वेंट हो जाएंगे तो बच्चे बैंक को भी पेमेंट नहीं मिलेगा, तो ये जनरली आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। दोनों में से कोई एक पार्टी इंसॉल्वेंट होगी, या तो ए इंसॉल्वेंट कर दिए जाएंगे या फिर बी इंसॉल्वेंट कर दिए जाएंगे, तो ए यहां पे पूरा पेमेंट कर देंगे बैंक से और जितना पैसा बी से मिल जाएगा वो तो चलो ठीक है, बाकी क्या कर देंगे, बैड डेब्ट्स कर देंगे। तो बच्चे इस सिचुएशन को मेरे को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करनी है, ए और बी के बुक्स में, तो चलो अब हम लोग इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो ये बच्चे मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट केस था और यही केस एग्जाम में आता है, ठीक है। तो चलो हम लोग अकाउंटिंग कर दें इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी। तो ये केस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो इसको बहुत अच्छे से नोट कर लेना कि कभी फ्यूचर में रिवाइज करना पड़े तो ऐसे देख के आपको याद आ जाए पूरी की पूरी कहानी। अब चलो हम लोग इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज पास करते हैं। तो मैं यहां पे क्या लिखता हूं, इन द बुक्स ऑफ ए, इन द बुक्स ऑफ बी, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ ए एंड इन द बुक्स ऑफ बी। तो यहां पे सबसे पहले बच्चे ए बी के ऊपर एक बिल ड्रॉ कर रहे हैं, तो ए क्या रिकॉर्ड करेंगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, कितना अमाउंट है, 1,53,000 रुपीस। बी क्या करते हैं, इस बिल को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो बी अपने बुक्स में क्या एंट्री करेंगे, ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, कितना अमाउंट है, 1,53,000 रुपीस, ठीक है जी। तो ए ने और बी ने अपने अपने बुक्स में ये एंट्री पास करी, फिर ए क्या करते हैं, इस बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लेते हैं, तो ए अब क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो बैंक से ए को कितना मिला, 1,50,000 रुपीस, डिस्काउंटिंग चार्जेस जो थे वो 3,000 रुपीस के थे और टोटल कितना हो गया, 1,53,000 रुपीस, ठीक है। तो यहां पे बी के बुक्स में तो कोई एंट्री होगी नहीं, फिर ए क्या करेंगे, बी का शेयर उनको ट्रांसफर कर देंगे, तो यहां थर्ड एंट्री क्या बनेगी, बी अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट, और बच्चे ए बी का शेयर ट्रांसफर कर रहे हैं तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट टू बैंक अकाउंट, और डिस्काउंटिंग चार्जेस भी बी के उनको ट्रांसफर कर देंगे, मतलब बी का शेयर उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो बी के अकाउंट को मैंने यहां पे डेबिट करा, तो मैं 50,000 रुपीस ट्रांसफर कर रहा हूं और 1,000 रुपीस का डिस्काउंट मैंने कैलकुलेट करा था, टोटल कितना हो गया, 51,000 रुपीस, ठीक है, 51,000 रुपीस। तो बी को यहां पे पेमेंट रिसीव होता है, तो बी एंट्री क्या पास करेंगे यहां पे, तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, तो ए से 50,000 रुपीस मिले, 1,000 रुपीस का डिस्काउंट बेयर करेंगे, 51,000 रुपीस टोटल हो गया, ठीक है जी। फिर क्या होता है, मैच्योरिटी आती है, ठीक है, फर्स्ट बिल की मैच्योरिटी आती है, तो मैं यहां पे लिखता हूं फर्स्ट बिल मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी पे ए और बी बोलते हैं कि हमारे पास तो पैसा नहीं है, तो सी बताते हैं बी को कि आप क्या करिए, ए के ऊपर एक बिल ड्रॉ करिए। तो यहां पे बी अब ए के ऊपर बिल ड्रॉ करने जा रहे हैं, ठीक है,
तो पैसा दोनों के पास नहीं था, तो बी क्या कर रहे हैं, ए के ऊपर बिल लॉक कर रहे हैं जिससे कि वो लोग फर्स्ट बिल का पेमेंट कर ले। तो यहां पे क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, क्योंकि बी ए के ऊपर बिल लॉक कर रहे हैं, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। तो ए के ऊपर जो बिल लॉक करा था वो कितने अमाउंट का करा था, 1,56,000 रुपीज का कर दिया। ठीक है, ए ने क्या करा, इस बिल को एक्सेप्ट करा। तो ए अपने बुक्स में क्या एंट्री करेंगे, बी अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, कितने का बिल है, 1,56,000 रुपीज का बिल है। ए ने ये एक्सेप्ट कर लिया। फिर बी ने क्या करा, इस बिल को अपने बैंक के पास जाके डिस्काउंट कराया। तो यहां पे क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो ये कितना अमाउंट है बच्चे, मेरे को जो मिला वो कितना मिला, 1,53,000 रुपीज मिला। 3,000 रुपीज का डिस्काउंट था, टोटल कितना हो गया, 1,56,000 रुपीज। ठीक है जी, तो बी को 1,53,000 रुपीज मिल गए। अब बी क्या करेंगे, फर्स्ट बिल का पेमेंट करेंगे। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट बिल का पेमेंट हो रहा है टू बैंक अकाउंट। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना, 1,53,000, क्योंकि बिल कितने का था, 1,53,000 का था। तो ये भाई पेमेंट हो गया फर्स्ट बिल का। ठीक है, फिर जो ये बच्चे डिस्काउंटिंग चार्जेस हैं, ये ए और बी दोनों प्रोपोर्शनेटली बेयर करेंगे। तो ए से यहां पे बी क्या करेंगे, डिस्काउंटिंग चार्जेस ए को ट्रांसफर कर देंगे। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, ए अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो ए का शेयर बी ने ट्रांसफर कर दिया। कितना शेयर आ रहा था बच्चे, हम लोगों ने कितना कैलकुलेट करा था, 2,000 रुपीज। और ए अपने बुक्स में क्या रिकॉर्ड करेंगे, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, कितना अमाउंट हो गया, 2,000 रुपीज। 2,000 रुपीज। तो ये बच्चे फर्स्ट बिल की मैच्योरिटी पे ये सब चीजें होंगी। ठीक है, अब मैं आता हूं सेकंड बिल की बात करता हूं, जब सेकंड बिल की मैच्योरिटी होगी तब क्या होगा। तो जब सेकंड बिल की मैच्योरिटी आएगी, सेकेंड बिल की जब मैच्योरिटी आएगी तब बैंक पेमेंट किसके पास मांगने जाएगी। ठीक है, बैंक पेमेंट किसके पास मांगने जाएगी, अब की बार बैंक जो पेमेंट मांगने जाएगी वो ए के पास जाएगी, क्योंकि ए ने एक्सेप्टेंस दे रखी है। तो ए बी से क्या कहते हैं मैच्योरिटी में, कि भाई मेरे को पेमेंट कर दो, मेरे पास अपना शेयर तो कहीं से अवेलेबल हो गया है, बट आप अपना पेमेंट कर दो जिससे कि मैं बैंक को पेमेंट कर सकूं। तो बी वहां पे कहते हैं कि भाई मैं इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुका हूं, मैं आपको पेमेंट नहीं कर सकता, और मैं सिर्फ आपको 20 पैसा इन रुपीज से पेमेंट कर सकता हूं। तो बैंक क्या करेगा, अपना पेमेंट तो कहीं ना कहीं से रिकवर करेगा। तो भाई बैंक तो बी से तो पेमेंट मांग नहीं सकता, अगर बिल का हम लोग डिसऑनर करते हैं तो बैंक बी से तो पेमेंट मांगेगा नहीं, क्योंकि बी क्या हो चुका है, इंस्टॉलमेंट हो चुका है। तो बैंक बी से पेमेंट नहीं मांगेगा, बट ए से तो अपना रिकवर करेगा, क्योंकि ए तो इंस्टॉलमेंट नहीं है, तो ए को तो पेमेंट करना पड़ेगा। देखो भाई बैंक को, तो ए क्या करेंगे यहां पे, बैंक को पेमेंट करेंगे चाहे वो जैसे भी करे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग पेमेंट दिखा देते हैं जो बैंक को हो रहा है। तो मैंने यहां पे क्या करा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, ए ने क्या करा, बिल का पेमेंट कर दिया। अब जहां से भी वो पैसे लेकर आए, बस उन्होंने क्या करा, बैंक का पेमेंट कर दिया। कितना पेमेंट करना था, 1,56,000 रुपीज का पेमेंट कर दिया। ठीक, और ए को 20 पैसा इन रुपी बी से रिकवर होते हैं। तो ए को कितना मिला, 20 पैसा इन रुपी
तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, और जो पैसे नहीं मिले वो क्या हो गए, बैड डेब्ट्स, तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। तो बी से टोटल ए को कितने लेने थे यहां पे, तो टोटल जो बी से मेरे को लेने थे, मतलब ए को जो बी से लेने थे वो कितने लेने थे, 52,000 रुपीस, ठीक है, और 20 पैसा इन रुपी रिकवर हो रहा है, तो 50,000 का 20% कितना आ जाएगा, 10,400 रुपीस रिकवर हुए, और बाकी क्या हो गए बच्चे, बैड डेब्ट्स हो गए। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, 41600, ठीक है, बी ने 10,400 रुपीस का पेमेंट करा होगा, तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, ए अकाउंट डेबिट, ए अकाउंट डेबिट, तो ए को मैंने डेबिट कितने से करा, 52,000 रुपीस से करा, कितना पेमेंट बी ने कर रखा है, तो यहां पे मैंने क्या लिखा, बैंक अकाउंट 10,400 का, और बाकी क्या हो गया बच्चे, बाकी डेफिशिएंसी हो गई, तो मैंने इसको डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, डेफिशिएंसी कितनी आ रही, 41,600। तो ये बच्चे हम लोग ऐसे ए और बी के बुक्स में अकाउंटिंग एंट्रीज पास करेंगे। तो आप लोगों को अब मेरे ख्याल से थर्ड केस भी समझ में आ गया होगा। तो बच्चे ये तीन केसेस होते थे जो मेरे को आपको डिस्कस करने थे अकोमोडेशन बिल के बारे में, तो ये चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलो बच्चे और आगे बढ़ते हैं। तो चलो बच्चे अब आप लोग क्या करिए, क्वेश्चन नंबर 21 को ओपन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, तो क्या दे रखा हुआ है, फॉर द म्यूचुअल अकोमोडेशन ऑफ एक्स एंड वाई ऑन 1st April 2016, एक्स ड्रू अ फोर्थ मंथ बिल ऑन वाई फॉर ₹4,000, वाई रिटर्न द बिल आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ द सेम डेट, ऑन द सेम डेट होना चाहिए, ऑन द सेम डेट, वाई रिटर्न द बिल आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑन द सेम डेट, एक्स डिस्काउंट द बिल फ्रॉम हिज बैंकर्स एट 6% पर एनम एंड रिमिट 50% ऑफ द प्रोसीड्स टू वाई, ऑन द ड्यू डेट एक्स इज अनेबल टू सेंड द अमाउंट ड्यू एंड देयरफॉर वाई ड्रॉज अ बिल फॉर ₹7,000 व्हिच इज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय एक्स, वाई डिस्काउंट्स द बिल फॉर ₹6,600 एंड सेंड ₹1,300 टू एक्स, बिफोर द बिल इज ड्यू फॉर पेमेंट एक्स बिकम्स इनसॉल्वेंट, लेटर 25 पैसा इन अ रुपी इज रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टेट, रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स। तो हमें क्या करना है, जर्नल एंट्रीज पास करनी इन द बुक्स ऑफ एक्स, ठीक है जी। तो यहां पे एक्स और वाई दोनों को पैसे की जरूरत थी ऑन 1st April 2016, तो एक्स क्या करता है, वाई के ऊपर एक बिल ड्रॉ करता है 4 months का फॉर ₹4,000। तो वाई क्या करता है, अपनी एक्सेप्टेंस दे देता है सेम डेट में, और एक्स क्या करता है, सेम बिल को डिस्काउंट करा लेता है एट 6% पर एनम, और 50% ऑफ द प्रोसीड्स वाई को ट्रांसफर कर देता है। फिर बच्चे ड्यू डेट में एक्स वाई को पैसे नहीं दे पाता है क्योंकि वाई को पेमेंट करना होता है बैंक को, तो वाई क्या करता है, एक्स के ऊपर 7,000 रुपीस का बिल ड्रॉ करता है विच इज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय एक्स, वाई इस बिल को डिस्काउंट करता है 6,600 में और 1,300 रुपए एक्स को भेज देता है, बिफोर द बिल इज ड्यू फॉर पेमेंट एक्स बिकम्स इंसॉल्वेंट, तो बच्चे एक्स इंसॉल्वेंट हो जाता है और सिर्फ 25 पैसा इन अ रुपी इज रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टेट, रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स। तो हमें एक्स के बुक्स में जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21, और मैंने यहां पे लिखा इन द बुक्स ऑफ एक्स जर्नल एंट्रीज। तो फटाफट से यहां पे आप लोग क्या करिए, फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, पर्टिकुलर्स LF नंबर अमाउंट और बच्चे अमाउंट, ठीक है, पर्टिकुलर्स LF नंबर अमाउंट एंड अमाउंट। तो यहां पे क्या डेट्स दे रखी हुई है, तो चलो हम लोग डेट्स को भी कंसीडर कर लेते हैं। तो डेट भी मैंने यहां पे लिख दी, ठीक है, डेट भी मैंने यहां पे लिख दिया। डेट्स के बारे में बहुत ज्यादा दे नहीं रखा है क्वेश्चन में, चलो फिर भी हम लोग जितना डेट्स दे रखी हैं, जितनी भी डेट्स दे रखी हैं, तो उनको मैं क्या करूंगा, कंसीडर कर लूंगा। तो फटाफट से फॉर्मेट को ड्रॉ करिए और हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो चलो जी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक्स वाई के ऊपर एक बिल ड्रॉ करता है, तो मैंने यहां पर क्या लिखा,
2016 फर्स्ट अप्रैल, ठीक है, फर्स्ट अप्रैल, तो एक्स वाई के ऊपर क्या कर रहा है, बिल एक ड्रॉ कर रहा है। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाइस अकाउंट, टू वाइस अकाउंट या वाई अकाउंट भी मैं सिर्फ लिख सकता हूं। तो कितने का बिल ड्रॉ करा है, तो बच्चे मैंने जो ये बिल ड्रॉ करा है वो 4000 रुपीज का ड्रॉ करा है। तो मैंने यहां पे लिखा बींग बिल ड्रॉन ऑन वाई, ठीक है जी। फिर मैंने क्या करा, इस बिल को डिस्काउंट करा लिया है बैंक से, तो मैंने यहां पे क्या लिखा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस मेरे कितने निकल के आएंगे, तो मैंने यहां पे लिखा 4000 का 6% इंटू 4/12, क्योंकि 4 मंथ का बिल है, तो डिस्काउंटिंग चार्जेस जो मैंने निकल के आ रहे हैं वो बच्चे 80 रुपीस है, और टोटल बिल का जो अमाउंट था वो कितना था, 4000 रुपीस। तो मेरे को बैंक अकाउंट में कितना मिला, 3920 मेरे को मिला बैंक अकाउंट में। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, बींग बींग बिल डिस्काउंटेड, बींग बिल डिस्काउंटेड, तो मैंने यहां पे क्या करा, बिल को डिस्काउंट करा। फिर मैंने क्या करा, 50% वाई को ट्रांसफर कर दिया। तो बच्चे 50% अमाउंट अगर मैं वाई को ट्रांसफर कर रहा हूं तो डिस्काउंटिंग चार्जेस भी मैं 50% ट्रांसफर करूंगा। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, वाइस अकाउंट डेबिट, वाइस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट, टू डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट। तो मैंने वाई को 2000 रुपीस ट्रांसफर करने हैं, उसमें से 1960 मेरे को मतलब ट्रांसफर करना है, 3920 का 50% कितना आएगा, 1960, 4000 में से 50% ट्रांसफर करने मतलब 2000 रुपीस, तो 3920 का 50% 1960 और 80 का 50% कितना आ जाएगा, 40 रुपीस का डिस्काउंट ट्रांसफर करना है। तो मैंने यहां पे लिखा बींग हाफ ऑफ द प्रोसीड्स ट्रांसफर टू वाई, ठीक है। तो यहां पे मैंने हाफ ऑफ द प्रोसीड्स वाई को ट्रांसफर कर दिया। अब बच्चे बैंक जो है वो मैच्योरिटी में वाई के पास पैसे मांगने जाएगा, ठीक है, बैंक जो है मैच्योरिटी में वाई के पास पैसे मांगने जाएगा, तो मैच्योरिटी डेट मेरी क्या निकल के आएगी, कोई मेरे को बता सकता है? तो बिल हमने ड्रॉ करा था 1 अप्रैल को और 4 मंथ्स का बिल है, तो 1 अप्रैल से अगर मैं 4 मंथ्स कैलकुलेट करता हूं तो कितना आएगा, मई जून जुलाई अगस्त, तो 1 अगस्त प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, अगस्त 4th अगस्त को मेरा क्या आ रहा है, मैच्योरिटी डेट आ रहा है, ठीक है। तो मैच्योरिटी डेट में एक्स क्या बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, एक्स यहां पे ये बोलता है, ठीक है जी। तो फिर भाई बैंक को तो पेमेंट करना पड़ेगा, एक्स ने एक्स के बोलने से थोड़ी ना हो जाता है कि भाई पैसे नहीं है, तो बैंक तो अपना पेमेंट लेगा, तो बैंक वाई के पास पेमेंट मांगने जाएगा, ठीक है। तो वाई के पास भी पैसे नहीं थे, तो वाई ने क्या करा, एक्स के ऊपर एक बिल ड्रॉ करा, बिल कितने का ड्रॉ करा, 7000 रुपीज का ड्रॉ करा, और वो एक्स ने एक्सेप्ट कर लिया। तो एक्स अपने एक्सेप्टेंस की एंट्री यहां पे करेगा, तो एक्स यहां पे क्या एंट्री करेगा, वाई अकाउंट डेबिट, वाई अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, क्योंकि एक्स ने एक बिल को एक्सेप्ट कर लिया जो वाई ने ड्रॉ करा। कितने का बिल था, 7000 रुपीज का, 7000 रुपीज का बिल
ड्रॉ करा वाई ने और एक्स ने क्या करा, एक्सेप्ट कर लिया, तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, बींग एक्सेप्टेंस, बींग एक्सेप्टेंस गिवन टू वाई, तो एक्स ने एक्सेप्टेंस किसको दे दी, वाई को दे दी, ठीक है। फिर वाई ने क्या करा होगा, 7,000 रुपीज को डिस्काउंट कराया बैंक से, तो वाई को कितना मिला, 6,600 रुपीज मिला, और वाई ने क्या करा, 1,300 रुपीज एक्स को ट्रांसफर कर दिए, तो वाई ने 1,300 रुपीज एक्स को ट्रांसफर करा है, तो इसकी एंट्री मेरे को कहां पे करनी पड़ेगी, एक्स की बुक्स में करनी पड़ेगी। तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक वर्किंग नोट में आते हैं और थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं कि भाई जो ये बिल डिस्काउंट कराया सेकंड वाला, तो उसमें से कुछ प्रोसीड्स एक्स को फिर से मिल रही है, तो एक्स ने टोटली कितना बेनिफिट लिया है, तो उतना डिस्काउंटिंग चार्जेस भी उसको बेयर करना पड़ेगा। तो चलो हम लोग देखते हैं कि एक्स के डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने निकल के आएंगे। तो चलो समझने की कोशिश करते हैं। तो जो मेरा सबसे पहला वाला बिल था वो 4,000 रुपए का था, ठीक है, उस पर डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने निकल के आए थे बच्चे, 80 रुपीज के आए थे, तो दोनों लोगों ने 40-40 रुपीज बियर करे थे क्योंकि इक्वल प्रोसीड्स दोनों लोग लेकर गए थे, ठीक है। तो एक्स को कितना मिला था, 1,960 प्लस 40 रुपीज, और वाई को 40 प्लस 1,960, तो दोनों लोग इक्वली बियर कर रहे थे 2,000 रुपीज, ठीक है। अब सेकंड बिल जो ड्रॉ करा है वो कितने का ड्रॉ करा है, 7,000 रुपीज का ड्रॉ करा है, उस पे 400 रुपीज डिस्काउंटिंग चार्जेस पे करें, तो नेट प्रोसीड्स कितना हो गया, 6,600 रुपीज। 6,600 रुपीज में से, ठीक है, 6,600 रुपीज में से जो पेमेंट करा है बैंक को, वो कितना करा होगा, 4,000 रुपीज का पेमेंट करा होगा, ठीक। बचा कितना, 2,600 रुपीज, ठीक, 2,600 रुपीज बचा, उसमें से 1,300 रुपीज एक्स को ट्रांसफर कर दिया, 1,300 रुपीज वाई ने खुद रख लिया, ठीक है, 1,300 रुपीज एक्स को ट्रांसफर कर दिया और 1,300 रुपीज वाई ने अपने पास रख लिया, ठीक है। तो फिर से ये लोग क्या कर रहे हैं, प्रोसीड्स को 50-50% बांट रहे हैं, तो डिस्काउंट को फिर से 50-50% बांटना चाहिए, मतलब 200 रुपए एक्स बेयर करेगा और 200 रुपए वाई बेयर करेगा, ठीक है। बट बच्चे यहां पे क्या हो रहा है कि जो हमारा डिस्काउंट या फिर प्रोसीड्स है हम लोग इक्वली बांट रहे हैं, अगर कोई और प्रोपोर्शन दिया होता तो हम लोग उसमें बांट देते। तो प्रोपोर्शन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो ये भी हम लोग चलो देख लेते हैं। तो यो ये बिल ड्रॉ कर है, तो ये बिल का जो पेमेंट करना था 2,000 रुपए इसमें से एक्स को पे करना था और 2,000 रुपए वाई को पे करना था, तो मतलब 2,000 रुपए का बेनिफिट एक्स यहां पे ले रहे हैं, ठीक है, 2,000 रुपए का बेनिफिट एक्स यहां पे ले रहे हैं, मेरे साथ यहां पे लिखना 2,000 रुपए का बेनिफिट इस बिल से, 2,000 रुपए का बेनिफिट एक्स ने लिया, प्लस 1,300 रुपए और मिल रहे हैं, तो टोटल बेनिफिट एक्स को कितना मिल रहा है, 3,300 रुपीज का बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है, 3,300 रुपीज का बेनिफिट मिल रहा है। वाई को टोटल बेनिफिट कितना मिल रहा है, 2,000 रुपए, तो ये मिल रहा है प्लस 1,300 रुपीज का ये बेनिफिट मिल रहा है, तो वाई को भी 3,300 रुपीज का बेनिफिट मिल रहा है। तो इन दोनों के बेनिफिट्स को अगर कंबाइन करो तो ये कितना होगा, 6,600, ठीक है जी। तो मैं कैसे लिख सकता हूं, 3,300 डिवाइडेड बाय 6,600 इंटू 400, तब भी कितना आएगा, 200 रुपीज। तो बच्चे या तो मैं ऐसे निकाल लूं, तो बट ऐसे मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूं क्योंकि मेरे को पता है 50-50% हो रहा है, बट कभी कभी क्या होता है 50% नहीं निकल के आ रहा है, मान लो कुछ और शेयर निकल के आता है, मान लो 60-40 निकल के आ रहा है, 70-30 निकल के आ रहा है, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वर्किंग मेरे को एग्जाम में दिखानी पड़ेगी कि ये मैंने कैसे कैलकुलेट करा है 200 रुपीज, ठीक है। ऐसे नहीं अजम्पशन हम लोग नहीं, ऐसे हम लोग नहीं सोच लेंगे कि 50% निकल के आ रहा है, ये हमें दिखाना पड़ेगा एग्जाम में कि कैसे कैलकुलेट करा है, ठीक है। तो ये ऐसे करके मेरे को शो करना पड़ेगा कि भाई ऐसे ऐसे आया, ये बेनिफिट लिया टोटल बेनिफिट, और टोटल बेनिफिट में एक्स का शेयर ये हो गया और वाई का शेयर भी ऐसे ही निकल आएगा, 3,300 बाय 6,600 × 400, तो वाई का शेयर भी कितना आ जाएगा, 200 रुपीज, ठीक है। तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, एक्स की बुक्स में एंट्री पास कर देता। तो जो ये बिल डिस्काउंट हुआ है, तो एक्स अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट,
टू वाई अकाउंट। तो कितना पेमेंट मिल रहा है? 1300 रुपीज, 200 रुपीज का डिस्काउंट था, टोटल कितना हो गया? 1500 रुपीज। ठीक है, 1500 रुपीज टोटल हो जाता है यहां पे। ठीक है, फिर क्या होता है? बिफोर द बिल इज ड्यू फॉर पेमेंट, एक्स बिकम्स इंसॉल्वेंट। तो यहां पे बच्चे एक्स इंसॉल्वेंट हो जाता है। तो जब एक्स इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो वाई ने क्या करा होगा? बिल का पेमेंट करा होगा। देखो, क्योंकि बैंक, देखो यहां पे क्या था, बिल एक्सेप्ट किसने करा था? ये वाला बिल एक्सेप्ट करा था एक्स ने। तो बैंक यहां पे पेमेंट इस बिल का किससे मांगने आएगी? एक्स के पास आएगी। एक्स क्या होता है? इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है, तो एक्स तो भाई पेमेंट करेगा नहीं, तो बैंक किसके पास पेमेंट मांगने जाएगी? वाई के पास जाएगी। डिस्काउंटिंग कराई किसने? वाई ने। तो बैंक किसके पास पहले पेमेंट मांगने जाती है? एक्स के पास जाती है। अगर एक्स पेमेंट नहीं करता है तो बैंक क्या कहती है कि भाई एक्स नहीं कर रहा है तो आप मेरे को पेमेंट दो। तो एक्स ने यहां पे पेमेंट नहीं करा होगा तो मेरे को यहां पे क्या करना पड़ेगा? डिसऑनर की एंट्री पास करनी पड़ेगी एक्स के बुक्स में। ठीक है, तो मैं यहां पे डिसऑनर की एंट्री पास कर लेता हूं। तो पहले यहां पे मैं नरेशन लिख देता हूं, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम वाई। तो एक्स के बुक्स में अब मेरे को क्या करना है? डिसऑनर की एंट्री पास करनी है, क्योंकि एक्स ने पेमेंट ही नहीं करा बिल का। तो मैं क्या एंट्री पास करूंगा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। एक्स ने मैच्योरिटी में बिल का पेमेंट नहीं करा, तो इसकी मैच्योरिटी डेट क्या निकल के आएगी बच्चे? तो नए बिल का पीरियड दे रखा है क्या? नए बिल का पीरियड नहीं दे रखा हुआ है। ठीक है, जो 7000 रुपीज का बिल ड्रॉ करा था वाई ने एक्स में, उसका पीरियड नहीं दे रखा है, तो मैं यहां पे डेट नहीं लिख सकता। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट, तो टू वाई अकाउंट मैंने यहां पे लिखा, और मैंने यहां पे लिखा बीइंग एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड। कितने की एक्सेप्टेंस थी बच्चे? 7000 रुपीज की एक्सेप्टेंस थी। वो क्या करी? एक्स ने डिसऑनर कर दी, तो बैंक ने वाई से पेमेंट रिकवर कर लिया होगा, और एक्स यहां पे क्या हो जाते हैं? इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, और ओनली 25 पैसा इन अ रुपी इज रिकवर्ड फ्रॉम स्टेट। तो हम लोग वाई को क्या करेंगे? पेमेंट कर देंगे 25 पैसे का। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डेफिशिएंसी अकाउंट। मैंने यहां पे क्या लिखा? बीइंग अमाउंट पेड एट द रेट 25 पैसा इन अ रुपी, 25 पैसा इन अ रुपी। तो ये कितना आ जाएगा? टोटल अमाउंट मेरे को कितना पे करना था वाई को? तो टोटल अमाउंट जो मेरे को वाई को पे करना था वो बच्चे कितना हो जाएगा? तो टोटल अमाउंट आ जाएगा बच्चे 2000 रुपीज, तो फर्स्ट बिल का हो गया, प्लस सेकंड बिल का कितना हो जाएगा? 1300 प्लस 200, टोटल कितना हो गया? 1500। तो 3500 रुपीज का मेरे को टोटल पेमेंट करना था, तो मैंने यहां पे लिखा 3500। 3500 का 25 पैसा निकालो, मतलब 25% निकालो, तो कितना आ जाएगा? 875। और डेफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 2625। तो यहां पे बच्चे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 हम लोगों ने यहां पे सॉल्व कर लिया। तो इस क्वेश्चन में क्या था? एक्स और वाई दो फ्रेंड्स होते हैं, तो एक्स पहले बिल ड्रॉ करता है वाई पे, एक्स डिस्काउंट कराता है और हाफ ऑफ द प्रोसीड्स खुद रख लेता है, हाफ प्रोसीड्स वाई को ट्रांसफर कर देता है। फिर मैच्योरिटी में एक्स के पास पैसा नहीं होता है, तो क्या करता है? वाई एक और बिल ड्रॉ करता है एक्स पे, और एक्स उस पे अपनी एक्सेप्टेंस दे देता है। वाई उस बिल को डिस्काउंट कराता है बैंक से, उसको पैसे मिलते हैं वाई को। ठीक है, वाई फर्स्ट बिल का पेमेंट कर देता है, और जो रिमेनिंग अमाउंट बचता है वो अमाउंट ये दोनों लोग आपस में शेयर कर लेते हैं, एक्स और वाई 50-50% फिर से शेयर कर लेते हैं। फिर जब सेकंड बिल की मैच्योरिटी आती है तो एक्स क्या हो जाता है? इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो बिल डिसऑनर हो जाता है, तो बिल डिसऑनर की एंट्री पास कर दी। फिर हम लोगों को पता चलता है कि 25 पैसा इन अ रुपी मिल पाएगा एक्स से, तो वो पेमेंट हम लोग कर देते हैं वाई को। तो यहां पे बचे क्वेश्चन नंबर 21 हमने सॉल्व कर दिया। तो चलो अब हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अब आप लोग ओपन करिएगा क्वेश्चन नंबर 22। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 22 आप लोग ओपन कर लीजिएगा। तो क्या दे रखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 22 में? शुभम ड्रॉज ऑन राजेंद्र अ बिल फॉर रुपीज 45,000 ऑन 1st जून 2018 फॉर 3 मंथ्स।
राजेंद्र एक्सेप्ट्स द बिल एंड सेंड इट टू शुभम हु गेट इट डिस्काउंटेड फॉर ₹44,100. शुभम इमीडिएटली रिमिट्स ₹14,700 टू राजेंद्र. ऑन द ड्यू डेट शुभम बींग अनएबल टू रिमिट द अमाउंट ड्यू एक्सेप्ट्स अ बिल फॉर ₹63,000 फॉर 3 months विच इज डिस्काउंटेड बाय राजेंद्र फॉर ₹61,650. राजेंद्र सेंड्स ₹11,000 टू शुभम. ऑन द ड्यू डेट शुभम बिकम्स इनसॉल्वेंट. हिज स्टेट पेइंग 40 पैसा इन द रुपी गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ शुभम एंड राजेंद्र. तो हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है इन द बुक्स ऑफ शुभम एज वेल एज राजेंद्र. तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो इस क्वेश्चन में भी कुछ खास नहीं दे रखा हुआ है. शुभम और राजेंद्र दो लोग होते हैं, उनको पैसे की जरूरत होती है. तो सबसे पहले क्या करता है शुभम, राजेंद्र के ऊपर एक बिल ड्रॉ करता है 45,000 का. राजेंद्र एक्सेप्ट कर लेता है, शुभम उसको डिस्काउंट कराता है 44,100 रुपीस में. फिर शुभम क्या करता है तुरंत ही 14,700 राजेंद्र को ट्रांसफर कर देता है. फिर ड्यू डेट जब आती है इस बिल की तो शुभम के पास पैसे नहीं होते हैं, तो राजेंद्र शुभम के ऊपर बिल ड्रॉ करता है 63,000 रुपीस का. तो राजेंद्र इस बिल को डिस्काउंट करा लेता है, डिस्काउंट करा के जो पैसा मिलता है वो कितना होता है 61,650. राजेंद्र तुरंत ही 11,000 रुपीस शुभम को ट्रांसफर कर देता है और बैंक को भी पेमेंट कर दे रहा होगा. फिर ड्यू डेट में शुभम इंस्टॉलमेंट हो जाता है और ओनली 40 पैसा इन अ रुपी इज रिकवरेबल. और हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है इन द बुक्स ऑफ शुभम एंड राजेंद्र. तो चलो बच्चे शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को. तो मैं यहां पे दोनों को मतलब दोनों के बुक्स में मैं साथ में एंट्री करना चाहता हूं. तो मैं क्या करता हूं पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूं, ठीक है. अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको प्रॉपरली शो करना होगा जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ शुभम और फिर जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राजेंद्र. तो यहां पे मैं दोनों को साथ ही साथ लेकर चलता हूं. तो क्वेश्चन नंबर 22 मैंने यहां पे क्या लिखा शुभम और मैंने यहां पे लिखा राजेंद्र. शुभम एंड राजेंद्र. तो चलो जी मैंने यहां पे क्या करा एक लाइन ड्रॉ कर ली. तो शुभम के बुक्स में और राजेंद्र के बुक्स में मेरे को क्या करना है एंट्रीज पास करनी है. तो चलो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. ₹29,400 रुपीज, ठीक है. तो चलो डिस्काउंटिंग चार्जेस को इसी रेशियो पे बांट देते हैं. तो 900 इंटू 29,400 डिवाइडेड बाय 44,100 एंड 900 इंटू 14,700 डिवाइडेड बाय 44,100. तो जो ये शुभम का शेयर आ रहा है वो कितना आ रहा है 600 रुपीज और राजेंद्र का शेयर आ रहा है 300 रुपीज. तो मैंने दोनों के शेयर यहाँ पे निकाल लिया. तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन में वापस आता हूँ और मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ डिस्काउंटिंग चार्जेस शुभम राजेंद्र के ट्रांसफर कर रहा है. तो राजेंद्र के कितने आ रहे थे 300 रुपीज और टोटल कितना हो गया 15,000 रुपीज, ठीक है जी. तो 15,000 रुपीज का यहाँ पे ये टोटल हो गया. अब राजेंद्र अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेंगे, तो राजेंद्र लिखेंगे यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट. तो बैंक अकाउंट में कितने पैसे आ रहे हैं 14,700. डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट कितना 300 रुपीस टू शुभम अकाउंट कितना 15,000 रुपीस, ठीक है. तो शुभम ने यहां पे राजेंद्र को पैसे ट्रांसफर कर दिया. फिर बच्चे क्या होगा इस बिल की मैच्योरिटी डेट आएगी, जो ये बिल है इसकी मैच्योरिटी डेट आएगी. तो मैच्योरिटी डेट में शुभम के पास पैसे नहीं होते हैं, तो राजेंद्र यहां पे शुभम के ऊपर एक और बिल ड्रॉ करते हैं क्योंकि भाई ये वाले बिल का तो पेमेंट करना पड़ेगा. तो राजेंद्र शुभम के ऊपर बिल ड्रॉ करते हैं. तो कब ड्रॉ करते हैं, तो इस बिल की पहले मैच्योरिटी कितनी आएगी 1 जून का जो ये बिल था वो कब का था 3 months का था. तो 1 जुलाई अगस्त सितंबर इसकी मैच्योरिटी कब आएगी 4 सितंबर. तो मैंने यहां लिखा 4 सितंबर. तो 4 सितंबर में राजेंद्र शुभम के ऊपर एक बिल ड्रॉ कर रहा है. तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू शुभम अकाउंट
कितने का बिल है? तो बच्चे जो ये बिल का अमाउंट है, कितना अमाउंट है? 63,000 रुपीज। 63,000 रुपीज। और शुभम ने क्या करा, इस बिल को एक्सेप्ट कर लिया। तो शुभम अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेंगे? राजेंद्र अकाउंट डेबिट, राजेंद्र अकाउंट डेबिट टू टू बिल्स पेबल अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट कितना? 63,000 रुपीज। फिर राजेंद्र ने क्या करा, इस बिल को अपने बैंक के पास जाके डिस्काउंट करा लिया। तो राजेंद्र अब क्या एंट्री करेंगे? तो राजेंद्र की बुक्स में क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो बैंक से कितना पैसा मिल रहा है राजेंद्र को? 61650 का पेमेंट रिसीव हुआ है राजेंद्र को। और कितना डिस्काउंट हुआ है, कितना डिस्काउंटिंग चार्जेस बैंक ने ले रखा है? 1350 का। और टोटल अमाउंट कितना था? 63,000 रुपीज। ठीक है, फिर राजेंद्र ने यहां पे क्या करा होगा, ये वाले बिल का पेमेंट कर दिया होगा, जो ये बिल इन्होंने एक्सेप्ट करा था। तो इस बिल का अब हमें क्या दिखाना है? पेमेंट दिखाना है। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये बिल का अमाउंट कितना था? 45,000 रुपीज, जो यहां पे राजेंद्र ने पे कर दिया। ठीक है, राजेंद्र ने 45,000 रुपीज यहां पे कर दिया। फिर राजेंद्र ने क्या करा, जो ये रिमेनिंग अमाउंट था, तो रिमेनिंग अमाउंट में शुभम का शेयर उनको ट्रांसफर कर दिया। कितना ट्रांसफर करा? 11,000 रुपीज उनको ट्रांसफर करा। तो साथ ही साथ क्या करा होगा, डिस्काउंट भी इसका ट्रांसफर करा होगा। तो मैं यहां पे क्या एंट्री कर सकता हूं? शुभम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट। तो 11,000 रुपीज ट्रांसफर करें, 11,000 रुपीज यहां पे राजेंद्र ने ट्रांसफर करें शुभम को। तो अब मेरे को यहां पे क्या करना पड़ेगा, फिर से डिस्काउंट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मेरे को यहां पे फिर से डिस्काउंट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि कौन सा बंदा कितना डिस्काउंट बेयर कर रहा है। तो चलो हम लोग यहां पे क्या करते हैं, डिस्काउंट का कैलकुलेशन करते हैं फिर से वर्किंग नोट पे। तो मेरे साथ यहां पे आप लोग आ जाइए वर्किंग नोट नंबर 2, डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस जो निकल के आ रहे थे वो कितने आ रहे थे? 1350। डिस्काउंटिंग चार्जेस मेरे कितने आ रहे थे? 1350 के आ रहे थे। तो 1350 को जो बेयर करेंगे शुभम और राजेंद्र करेंगे, तो ये शुभम है और ये राजेंद्र है। ठीक है, अच्छा बच्चे मेरे को टोटल नेट प्रोसीड्स कितनी मिली थी डिस्काउंट करने के बाद? 61650 की नेट प्रोसीड्स मिली। तो इसमें से मैंने सबसे पहले क्या करा होगा, अपने बिल का पेमेंट करा होगा। तो सबसे पहले मैंने बिल का पेमेंट करा 45,000 रुपीज। तो अब कितना बचा है? तो अब मेरे पास बचता है 16,650 रुपीज। 16,650 रुपीज मेरे पास यहाँ पे बचता है। 16,650 रुपीज में 11,000 रुपीज शुभम ले जाते हैं। तो रिमेनिंग अमाउंट कौन ले जा रहा है? अपना राजेंद्र। तो राजेंद्र को कितना मिलेगा? तो 5,650 रुपीज यहाँ पे राजेंद्र को मिलता है। ठीक है, तो शुभम को टोटल बेनिफिट कितना मिला होगा? 30,000 रुपीज तो भाई यहां पे मिला, और 15,000 रुपीज किसको बेनिफिट मिला था? राजेंद्र को मिला था। तो ये शुभम का है, ये राजेंद्र का है, और शुभम का और ये राजेंद्र का। तो टोटल बेनिफिट शुभम को कितना मिल रहा है? 30 प्लस 11। तो 61650 में से टोटल बेनिफिट शुभम को मिल रहा है 41,000 रुपीज का। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, 1350 × 41,000 डिवाइडेड बाय 61650। और राजेंद्र को कितना बेनिफिट मिला है? 1350 × 15,000 प्लस
5650 तो ये कितना आ जाएगा 20,650 डिवाइडेड बाय 61650। तो शुभम और राजेंद्र का शेयर कितना कितना आ जाएगा जल्दी से कैलकुलेट करके मेरे को बताइए। तो ये जो आ रहा है वो आ रहा है 897.81, इसको हम लोग राउंड ऑफ कर देते हैं कितना 898। फिर ये कितना बचेगा तो ये आ जाएगा 452, ठीक है। तो 452 और 898 डिस्काउंटिंग चार्जेस कौन बेयर कर रहा है, शुभम बेयर कर रहा है। तो चलो अब हम लोग लिखते हैं यहां पे 898 और यहां पे मैं कितना लिख सकता हूं 11,000 रुपीस। और टोटल शुभम को हम लोग यहां पे डेबिट करेंगे कितने से 11,898 से, ठीक है। 11,898 रुपीस से मैं क्या करूंगा शुभम को यहां पे डेबिट कर दूंगा। अब यहां पे शुभम अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू राजेंद्र अकाउंट, ठीक है जी। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं 11,898 और ये टोटल कितना आ जाएगा 11,898, ठीक है जी। तो ये मैंने यहां पे लिख दिया। फिर क्या होता है बच्चे, ये वाले बिल की अब मैच्योरिटी डेट आएगी। अब जब इस बिल की मैच्योरिटी डेट आएगी तो शुभम क्या हो चुके होंगे, इंसॉल्वेंट हो चुके होंगे। तो शुभम क्या करेंगे, इस बिल का डिसऑनर कर देंगे। तो हम लोग इस बिल का पहले क्या करेंगे, डिसऑनर करेंगे शुभम के बुक्स में। और बैंक जो पेमेंट रिकवर करेगी वो किससे करेगी, राजेंद्र से करेगी, क्योंकि भाई शुभम ने तो पेमेंट करा नहीं। तो शुभम के बुक्स में हम लोग डिसऑनर की एंट्री पास करेंगे, ठीक है जी। तो शुभम के बुक्स में एंट्री कब पास होगी, तो 4 सितंबर को यह बिल क्या हुआ था, एक्सेप्ट हुआ था। तो इसकी मैच्योरिटी डेट कब की आएगी, तो ये जो बिल है वो बच्चे 3 मंथ्स का है। तो 4 सितंबर से 3 मंथ्स अगर आप लोग ऐड करो तो कितना आएगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो 4 दिसंबर में मैं 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड करूंगा तो कितना आएगा 7 दिसंबर। तो मैंने यहां पे लिखा 7 दिसंबर। तो 7 दिसंबर में क्या हो रहा है, ये वाला बिल डिसऑनर हो रहा है शुभम के बुक्स में। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू राजेंद्र अकाउंट। कितना अमाउंट था बिल का, 63,000 रुपीस, ठीक है जी। और अब राजेंद्र को क्या करना पड़ेगा, इस बिल का पेमेंट करना पड़ेगा। तो राजेंद्र क्या पेमेंट करेंगे, राजेंद्र अपने बुक्स में क्या एंट्री करेंगे, तो राजेंद्र यहां पे एंट्री जो करेंगे वो क्या करेंगे, डेटर टू पे। तो कौन हो जाएगा, शुभम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो कितने का पेमेंट करा होगा राजेंद्र ने, 63,000 रुपीस का, ठीक है। 63,000 रुपीस का राजेंद्र ने बैंक को पेमेंट कर दिया बिल के अगेंस्ट। और फिर मेरे को पता चलता है कि 40 पैसा इन द रुपी रिकवर हो सकता है शुभम से। तो चलो भाई इसकी भी एंट्री पास कर लेते हैं। तो मैं यहां पे क्या एंट्री करूंगा शुभम के बुक्स में, राजेंद्र अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डेफिशिएंसी अकाउंट। तो कितना पेमेंट करा है, 40 पैसा इन अ रुपी। और राजेंद्र को मेरे को पेमेंट कितना करना था, तो राजेंद्र को जो पेमेंट करना है वो बच्चे कितना आ जाएगा, 30,000 प्लस 11,000 प्लस 898, तो 41898, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा इसका, 41898। तो 41898 का 40 पैसा पे करा होगा, तो 40% कितना आ जाएगा, 16759। और डेफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 25139, ठीक है। तो ये एंट्री हम लोग किसके बुक्स में पास करेंगे, शुभम के।
अब मेरे को राजेंद्र के बुक्स में एंट्री पास करनी है, तो राजेंद्र के बुक्स में हम क्या एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू शुभम अकाउंट। तो बैंक में मेरे को रिसीव हो रहा है 16759251139 की बैड डेब्ट्स हो गई, और टोटल कितना अमाउंट रिसीव करना था 41898। तो ये बच्चे मैंने एंट्रीज पास कर दी हैं इन द बुक्स ऑफ शुभम एज वेल एज इन द बुक्स ऑफ राजेंद्र। तो यहां पे बच्चे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 22 भी सॉल्व कर लिया। अब बच्चे मैं आपको एक क्वेश्चन बस रीड आउट कराना चाहता हूं और आपको ये समझा देना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन में क्या करना है। ठीक है, आपको सॉल्व ये क्वेश्चन खुद से करना है होमवर्क में, बस मैं आपको ये क्वेश्चन समझाने जा रहा हूं और रीड आउट कराने जा रहा हूं। तो क्या दे रखा हुआ है, ऑन 1st जुलाई, क्वेश्चन नंबर 24, ऑन 1st जुलाई 2016, तो जॉर्ज ड्रू अ बिल फॉर ₹1,80,000 फॉर 3 months ऑन हैरी फॉर म्यूचुअल अकोमोडेशन। हैरी एक्सेप्टेड द बिल ऑफ एक्सचेंज। जॉर्ज हैड परचेज्ड गुड्स वर्थ ₹1,81,000 फ्रॉम जैक ऑन द सेम डेट। जॉर्ज इंडोर्स हैरीज एक्सेप्टेंस टू जैक इन फुल सेटलमेंट। ऑन 1st सितंबर 2016, जैक परचेज गुड्स वर्थ ₹1,90,000 फ्रॉम हैरी। जैक इंडोर्स द बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव्ड फ्रॉम जॉर्ज टू हैरी एंड पेड ₹9,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू हैरी। On 1st October 2016, Harry purchased goods worth 2 lakh from George. Harry paid the amount due to George by check. Give the necessary journal entries in the books of Harry and George. तो हमें journal entries pass करनी है in the books of Harry as well as in the books of George. तो चलो बच्चे इस question को समझने की कोशिश करते हैं, इस question में क्या दे रखा हुआ है। तो मैं यहां पे लिखता हूं क्वेश्चन नंबर 24 और बस मैं आपको इस क्वेश्चन का जिस्ट बताने जा रहा हूं। तो यहां पे बच्चे तीन पार्टीज थी, एक थी जॉर्ज, एक है जॉर्ज, दूसरी पार्टी का नाम क्या है, हैरी, और जो तीसरी पार्टी है उसका नाम क्या है, जैक। तो बच्चे ये तीन लोग थे। ठीक है, तो जॉर्ज ने हैरी के ऊपर एक बिल ड्रॉ करा 1,80,000 रुपीज का। 1,80,000 रुपीज का जॉर्ज ने हैरी के ऊपर बिल ड्रॉ करा फॉर म्यूचुअल अकोमोडेशन। ठीक है, और हैरी ने क्या करा, इस बिल को एक्सेप्ट कर लिया। फिर जॉर्ज ने क्या करा, जैक से कुछ परचेज करी, जॉर्ज ने जैक से कुछ परचेजेस करी। कितने की परचेज करी है, 1,81,000 रुपीज की परचेज करी। और जॉर्ज ने क्या करा, 1,80,000 रुपीज का बिल जो हैरी से मिला था, 1,80,000 रुपीज का बिल जो हैरी से मिला था, वो जैक को क्या करा, इंडोर्स कर दिया इन फुल सेटलमेंट। तो यहां पे इंडोर्स कर दिया ये वाला बिल, तो 1,000 रुपीज का यहां पे डिस्काउंट मिल गया होगा। किसको, जॉर्ज को 1,000 रुपीज का डिस्काउंट मिल गया होगा। ठीक है, फिर क्या दे रखा हुआ है कि 1st सितंबर 2016 में जैक ने क्या करा, हैरी से गुड्स परचेस करे। कितने के परचेस करे, 1,90,000 रुपीज के। तो हैरी ने गुड्स सेल करे कितने के, 1,90,000 रुपीज के गुड्स सेल करे जैक को। तो जैक ने 1,90,000 रुपीज के गुड्स परचेस करे, किससे परचेस करे, हैरी से परचेस करे। तो जैक ने क्या करा, यही वाले बिल को हैरी को इंडोर्स कर दिया, ये वाले बिल को हैरी को इंडोर्स कर दिया, प्लस 9,000 रुपीज और पे कर दिए। तो जैक को भी यहां पे डिस्काउंट कितने का मिला होगा, 1,000 रुपीज का, और जॉर्ज को भी यहां पे 1,000 रुपीज का डिस्काउंट मिला था। ठीक है जी, तो 1,80,000 रुपीज का बिल दे दिया, प्लस 9,000 रुपीज चेक से पेमेंट कर दिया। तो हैरी के पास उन्हीं का बिल फिर से घूम फिर के क्या हो गया, वापस आ गया। तो हैरी के पास उन्हीं का बिल क्या हो गया, वापस आ चुका है। ठीक है जी, तो हैरी अब क्या करेंगे, अपने आप को तो पेमेंट करेंगे नहीं मैच्योरिटी में, तो हैरी क्या करेंगे, यहां पे बिल को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि भाई उनका बिल उन्हीं को घूम फिर के वापस मिल गया।
ठीक है जी। तो ये चीज हमें क्या करनी है, हैरी को अपना बिल कैंसिल करना है म्यूचुअल अकोमोडेशन वाला, जो उनके पास घूम फिर के वापस आ चुका है। ठीक है, फिर हैरी ने क्या करा, 2 लाख रुपीज के गुड्स परचेज करें। किससे परचेज करें, जॉर्ज से 2 लाख रुपीज के गुड्स परचेज करें। ठीक है, और हैरी ने क्या करा, अमाउंट पे कर दिया ड्यू टू जॉर्ज बाय चेक। तो जो भी अमाउंट ड्यू था जॉर्ज को, हैरी ने क्या करा, चेक से पे कर दिया। ठीक है, तो हैरी को कितना रिसीव करना था, 1,80,000 रुपीज रिसीव करना था और 2 लाख की परचेजेस कर ली। तो नेट में हैरी कितना पे कर देगा, 2 लाख माइनस 180 मतलब 20,000 रुपीज नेट में हैरी जॉर्ज को पे करेगा। भाई 1,80,000 रुपीज का बिल जो था जॉर्ज ने हैरी पे ड्रॉ करा, तो जॉर्ज ने 1,80,000 रुपीज का बेनिफिट ले लिया। किससे ले लिया, हैरी से। तो भाई 1,80,000 रुपीज जॉर्ज को पे तो करने पड़ेंगे ना हैरी को, क्योंकि भाई अगर ये जॉर्ज ये वाला बिल अगर बैंक से जाके डिस्काउंट कराते तो जॉर्ज को 1,80,000 में से कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस, लेट्स टेक 2,000 माइनस करके 1,78,000 रुपीज मिल जाता। फिर बैंक जाके हैरी से पैसा मांगती तो बैंक को तो 1,80,000 रुपीज पे करना पड़ता हैरी को। तो यहां पे जॉर्ज ने डिस्काउंट कराने की जगह जैक के अगेंस्ट यूज कर लिया, मतलब जॉर्ज ने परचेज करी है और बिल को इंडोर्स कर दिया और ये बिल घूम फिर के हैरी के पास वापस आ गया। तो हैरी तो भाई इस बिल को कैंसिल कर देंगे क्योंकि भाई अपने आप को तो ये पेमेंट करेंगे नहीं, बट हैरी को 1,80,000 रुपीज तो रिसीव करना है। किससे, जॉर्ज से। तो हैरी ने क्या करा, परचेज कर ली जॉर्ज से 2 लाख रुपीज की। तो 2 लाख रुपीज की परचेज करिए, 1,80,000 रुपीज का पेमेंट रिसीव करना था। तो 2 लाख रुपीज का पेमेंट करना है, 1,80,000 रुपीज का पेमेंट रिसीव करना है। ठीक है जी, तो ये पे करना है, ये रिसीव करना है। तो नेट में 20,000 रुपीज हैरी किसको पे करेंगे, जॉर्ज को पे करेंगे। तो ये पूरे अरेंजमेंट की एंट्रीज आपको पास करनी है इन द बुक्स ऑफ जॉर्ज एंड इन द बुक्स ऑफ हैरी। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ जॉर्ज और इन द बुक्स ऑफ हैरी आपको ये सारी एंट्रीज पास करनी है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों को क्या करना, जनरल एंट्रीज पास करनी है। तो मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया, तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, हैरी क्या करेगा, अपने ये बिल को कैंसिल करेगा। तो बिल को कैंसिल करने की आपको एंट्री पता है कैसे कैंसिल करेंगे। ठीक है, तो आराम से आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं क्योंकि मैंने आपको ये क्वेश्चन समझा दिया। अगर फिर भी इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है, इस क्वेश्चन में अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप लोग मेरे से पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है ही, आप लोग मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन हमें नहीं समझ में आया, तो मैं फिर से समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार फिर से वीडियो देख लो, ये वाला कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बट मेरे ख्याल से मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे बहुत अच्छे से समझा दिया है। तो आप लोगों को क्या करना है, इस क्वेश्चन को होमवर्क में करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे मेरा जो ये बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर है वो यहाँ पे खत्म होने को आ गया। तो मैंने यहाँ पे सारे के सारे टॉपिक्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज के डिस्कस कर लिए, चाहे वो डिस्काउंटिंग से रिलेटेड हो, मतलब चाहे वो टॉपिक्स जो ए के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या बी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब ड्रॉअर के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर ड्रॉई के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने सारे सारे केसेस आपसे डिस्कस करा, एक एक केस को मैंने आपसे डिस्कस करा है। तो ये चैप्टर हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा। तो बच्चे इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है एक तो अकोमोडेशन बिल। अकोमोडेशन बिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ आपसे ये पूछ सकते हैं डिस्काउंट, जो हम लोग डिसऑनर ऑफ बिल होता है। तो डिसऑनर ऑफ बिल प्लस अकोमोडेशन बिल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिसऑनर ऑफ बिल अलोंग विथ रिटायरमेंट, डिसऑनर ऑफ बिल अलोंग विथ रिटायरमेंट या फिर रिबेट, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है प्लस अकोमोडेशन बिल। तो अकोमोडेशन बिल में हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए, या फिर इससे पहले जो भी हम लोगों ने शुभम और राजेंद्र वाला क्वेश्चन करा था वैसा एक मिलता जुलता क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाए, विथ मतलब फिगर्स चेंज कर देंगे, नाम चेंज कर देंगे, वैसे ही क्वेश्चन आपको मिल सकता है, या फिर इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। क्योंकि इस क्वेश्चन में एक नया पॉइंट था कि बिल जो है घूम फिर के वापस हैरी के पास पहुंच जाता है और नेट में पेमेंट हैरी कितना करता है, 20,000 रुपीज का पेमेंट चेक से कर देता है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है एग्जामिनर कोई और एक नया केस क्रिएट कर दे, वो तो डिपेंड करता है कि कैसी सिचुएशन से कैसे वो केस क्रिएट करता है। तो वो चीज हम लोग जब क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे तभी पता चल सकती है। तो हमें क्वेश्चन सबसे पहले समझना है कि भाई क्वेश्चन के पीछे कहानी क्या छुपी है। तो मैंने आपको ये चैप्टर जो है वो कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से तभी पढ़ाया था कि भाई कहानी अगर समझ में आ गई आपको तो कैसी भी सिचुएशन एग्जामिनर आपको देगा तो आप लोग क्या कर सकते हो, उस सिचुएशन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है जी,
तो सर सर क्या आज हम लोगों को होमवर्क नहीं मिलेगा? तो होमवर्क में बच्चे नोट करना, एक तो क्वेश्चन नंबर 24 आपको करना ही है, तो होमवर्क यहाँ पे नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 24 तो करना ही करना है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर जो और आपको जो करना है वो कौन कौन से क्वेश्चन नंबर है, तो क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 23 एंड क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने हैं, और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है जी। और आपको क्वेश्चन नंबर 19 जो है, जो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन आज कराया था, क्वेश्चन नंबर 19, वो आपको एक बार खुद से करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 आपको बहुत अच्छे से करना है, फिर से करना है। तो यहाँ पे बच्चे मेरा बिल ऑफ एक्सचेंज का जो चैप्टर है फिनिश होने को आ गया, तो मैं यहाँ पे क्लास को अब एंड करता हूँ। तो चलो गाइस, थैंक यू, सी यू, टाटा, गुड नाइट, बाय बाय।